सुनो कंट्रोल कर लो सुनो ना, सुनो सुनो ऐसा हो दिलीप सो सिमंडल, मेरे माँ सुनो बाप ना, ने ऐसे तमीज ऐसे सिखाई है, तुम लोग अरे यार हद बट है उसमें ये भी आगे मतलब सिखाया है कि अगर कोई क्या है बदतमीजी करे तो उसका जवाब उसी तरीके से अरे दो। दे देना ना यार, हमने सुन बोला लो सुन लो रोका। सुन लो दिलीप सिमंडल, फुटेज खा रहा है भाई, कुछ नहीं कर रहा मैं बता रहा हूँ इस आदमी को। क्यों रो रहे हो क्या? क्यों रो रहे हो क्या? अन्याय तो तुम लोग क्या कर लोगे मेरे साथ, लेकिन ठीक है मैं अलाउ कर रहा हूँ। नहीं कर रहे हो, 10 मिनट बाद इतनी बड़ी औकात तो नहीं होगी मेरे साथ अन्याय कर लोगे, लेकिन वट एवर। नहीं आपकी क्या औकात है अगर हमारी कुछ नहीं है तो? अब मेरी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे? वो कौन? चलो तुम्हारी लैंग्वेज। अच्छा मेरी बात सुनोगे या नहीं सुनोगे? इतनी रोतड़ू है, ड्रामा तुम भाई, तुम सर्टिफिकेट दोगे क्या आगे डिफेंड करके मेरे से? तुम सर्टिफिकेट, अरे तुम पर्सनल रिलेशन का तुम्हारा चार डालना मेरे को, तुम्हारा चार डालना तुम्हारे पर्सनल रिलेशन का। आप जो बात कर रहे हो ना, के लोगों से हम लोगों को नहीं चाहिए पत्रकारिता का सर्टिफिकेट। डेफिनेटली दो कौड़ी के लोग हमें, ये मेरे को जर्नलिज्म का सर्टिफिकेट देंगे? इन्होंने मुझे गाली भी दी जो बैच अप से शुरू होती है, इन्होंने मुझे गाली भी दी है, पत्रकार है, स्पोर्ट्स रिकॉर्डेड है। जाओ एफआईआर करा दो, जाओ एफआईआर करा दो। हू द हेल आर यू? हू द हेल आर यू टू कमेंट? तुम्हें चेतन के बांगड़ा मार रहे हो। आई डोंट नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम यू। मत यू एसोल, आप जाओ भागो जो करना आप लोगों को। बहुत बहुत सुन हरियाणवी, और हरियाणवी सुन, मैं भी हरियाणा का हूं, सुन ले। तेरे 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 जैसे मानसा की जरूरत ना है, ठीक सा कदे घना बांड लग रहा है। हम भी तेरे जैसे मानसा नहीं देखे सारे दिन, तेरे तेरे जैसे मानसा नहीं देखते हैं रहे हम। ठीक से ये चपड़ासी रखूं मैं डटचे तो? अरे भैया आ गया, देख लो इसकी लैंग्वेज, देख लो इसकी, देख लो। जो आदमी कास्टिस्ट है, जो आदमी रिजर्वेशन को गाली देता है, जो आदमी दलितों को गाली देता है, जो अपने क्लासमेट्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करता है, उनको जो है बदतमीजी की बात करता है, लेकर आ जाओ फालतू के। ये क्या हुआ था एमसी में? तुम्हारी हिम्मत की हमारी जाति के लोगों को गाली दोगे? अरे गलती हुई, अभी देख के दिखाओ ना, अभी देख के दिखाओ ना गाली। गलती हिम्मत है, हमारे लोगों को गाली दोगे? हमारी जात के लोगों को गाली दोगे? तुम्हारे बाप दादा ने सिखाया कि हमारे लोगों को गाली देना है, हमारे रिजर्वेशन को जो है गाली देना है, हमारे लोगों को गाली देना है? हिम्मत है तो बोल के दिखाओ ना। आप बोलेगा नहीं जब तक दिलीप मंडल साहब बोलते नहीं है, आपको इजाजत नहीं देते हैं, क्योंकि ये स्पेस हमारा है, लेकिन चलेगी उनकी, क्योंकि हम उनको ऐसा फील बिल्कुल नहीं कराएंगे कि हमारे साथ आप ऐसा करते हो। जैसे इन्होंने मेरे लिए मॉब लिंचिंग का यूज़ किया, सर आपने मॉब लिंचिंग वर्ड यूज़ किया मेरे खिलाफ। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि आपने कैसे मुझे मॉब लिंचर बना दिया यहाँ पे, दिलीप सर? अरे भाई एक विषय पे बात हो रही है, उस सब्जेक्ट पर अपने नहीं, नहीं, अब नहीं, सुनो, हेलो 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 सुनो, वैसे तो तुमने ये बोल दिया तो तुमने ये बोल दिया भाई, मतलब बच्चों वाली लड़ाई छोड़ो। अब मुझे लगता है कि एक गंभीर विषय है, गंभीर विषय है और वोटिंग राइट से जुड़ा हुआ, तो लेट्स डिस्कस दैट। ओके ओके, सीधे सीधे हम लोग बात कर लेते हैं। निमोजी निमोजी मैं थोड़ा वर्णन तो कर दूं, अरे वर्णन कर देते हो रॉकल भाई। आपने तीन स्पीकर खोल दिए ना, मतलब मैं कह रहा हूं कि आप इसको ढंग से चलाओ। अरे मांग रहे हैं निमोजी, आप मैंने कोई मैंने कहा मैंने कोई केओस नहीं क्रिएट होने दिया सर। आपने 15 मिनट बोला ना, मैं अपने स्पेस में 2 मिनट भी नहीं बोलूं। आपने 15 मिनट बोला ना वहां पे, बोलो ना यार 15 मिनट फिर बोलो ना, फिर सवाल मत पूछो, पहले 15 मिनट बोल लो। हां ठीक है, हां ठीक है, मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं, स्पीकर हट रहा हूं, 15 मिनट आप बोल लो। नहीं नहीं मत मत रहिए आप, रहिए अरे मत आप रहिए यहां पे, आप नहीं आएंगे वापस। नहीं नहीं आप नहीं आएंगे, आप नहीं, मैं अरे सर कोई नहीं, आप बोलने को दीजिए, आप तो डेमोक्रेसी पर विश्वास रखते हैं, आप बोलने दीजिए 15 मिनट। बस बोल रहे हो, मैं श्रोताओं को बता तो दूं कि हुआ कैसे स्टार्ट। मैं बता तो तुम लोग तीन लोग बोल रहे हो, रुको ऐसे मत करो। कोई नहीं बोल रहा है मेरे अलावा, कोई नहीं बोल रहा है। राहुल गांधी की आवाज आ रही बार बार यार, क्या बात? नहीं नहीं राहुल भाई चुप है और मैं बोल रहा हूँ, मैं शुरू से बताता हूँ श्रोताओं को। सुनो सुनो फिर सुन लो, आप 20 मिनट बोल लो और तब तक मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, मैं उसको कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है 30 मिनट, तुम 1 घंटा बोल लो यार। ठीक है ठीक है, मैं बोलूंगा तय कर लो यार कौन बोलेगा। मैं बोल रहा हूँ दिलीप साहब, मैं बोल रहा हूँ दिलीप साहब, जो जिसको मन में आराम बोलो, चलो ठीक है आराम से। ये टैक्टिक कहीं और लगाना। अच्छा तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके स्पेस का रूल आपने तय किया था कि 15 मिनट बात होगी, 15 मिनट वो करेगा। हम ऐसे स्पेस नहीं करते, हम इंटरेक्टिव करते हैं, क्योंकि एक तरफा बात करने की आदत हमारी नहीं। हम क्योंकि ऐसा नहीं चाहते हैं कि आदमी विज्ञान हमारे पास ज्यादा है, 15 मिनट हम बोले और 15 मिनट वो बोले और सुनने वाले ऐसे ही बैठे, ये कोई टीवी नहीं। हम जो भी स्पेस करते हैं हम इस तरह करते हैं, हमारे स्पेस में आमतौर पे 50 से ज्यादा स्पीकर हर स्पेस में 2-2, 3-3 मिनट अपनी बात रखते हैं, चाहे वो 20 फ्लोर वाला, 50 फ्लोर वाला कोई भी हो। यहाँ से जितने लोग सुन रहे हैं उनसे आप पूछ रहे हैं इस बात को। तो हम आपने अपने स्पेस में 15 मिनट अपनी बात रखी, 15 मिनट मैंने रखी, मुझे उसके अलावा उसमें कोई ऐड नहीं करना। क्योंकि एक तो ये बात होती कि हम किसी बात किसी आर्ग्यूमेंट पे लड़ रहे होते, आर्ग्यू कर रहे होते, एक तो वो बात होती। लेकिन जब मैंने वही बात कल स्पेस में बोली, आज ट्वीट में बोली,
कि मैं किसी को भी पढ़ाई लिखाई के बेस पे इलेक्शन से दूर रखने का, वोटिंग से दूर रखने का हिमायती नहीं हूँ। करण सांगवान के साथ गलत हुआ है, अनअकैडमी ने, जिसके की संस्थापक रोमन सैनी और गौरव मुंजाल ने प्रेशर में, प्रेशर लगा लो या प्री एम्प्टिव मेजर्स लेते हुए उनको निकाल दिया, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के सरकार के काफी क्लोज हैं, सरकार से फंड वंड भी लेते हैं और काफी सारे एप्स को स्पॉन्सरशिप भी मिलते हैं। तो इस वजह से उन्होंने पहले ही निकाल दिया कि बहुत ज्यादा बैकलैश हो, तो वो एक एक जो उनका ये एक्शन था ये अनजस्टिफाइड था और बहुत गलत उन्होंने इस तरह से टर्मिनेशन उसका किया। उसके खिलाफ ये बहुत सारी चीजें हुई, 2 लाख से ज्यादा ट्वीट्स हुए और कल बहुत लोगों ने लिखा और बहुत सारी चीजें हुई, तो हम तो उसके समर्थन में बात कर रहे थे। आपने लिखा कि उसको ठीक किया, निकाला गया और अनअकैडमी को, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, आपने क्या लिखा, आपने अनअकैडमी को थोड़ा सोचना चाहिए उनको लेने, तो मैंने आपको इस बात पे कॉन्ट्राडिक्ट किया कि सर आप भी तो अनपढ़ बोलते हैं लोगों को कि आपको निकाल दिया किसी ने नौकरी से, तो ये बात। तो मैं आपसे सिर्फ इस बात पूछना चाह रहा था कि आप अब अगर आप सवाल ही नहीं लेंगे, बात ही नहीं होगी सवालों के आधार पे, तो ये 15-15 मिनट बात करने वाला फॉर्मेट ये तो फिर अब कई साल तक चलता रहेगा। आप 15 मिनट कुछ बोलेंगे, मैं 15 मिनट कुछ सवाल जवाब तो होंगे ना, बात तो होगी ना, संवाद तो होगा ना सर। ठीक है रफल भाई, आपने अपनी बात रखी। अब मैं श्रोताओं को बताता हूँ कि हुआ क्या। हुआ ये कि कल एक कुछ दिनों पहले एक अनअकैडमी के टीचर हैं जो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं बच्चों को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, उनका नाम है करण सांगवान, हरियाणा से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। उन्होंने कहा कि भाई अगली बार से ना पढ़े लिखे को चुनना। उन्होंने इतना कहा, किसी नेता का नाम नहीं लिया, किसी का भी नाम नहीं लिया, बस वो अपने बच्चों को कह रहे थे कि अगली बार देख लेना, पढ़ा लिखा एक होना चाहिए इंसान अगर आप किसी को भारत के लिए चुन रहे हैं। तो उस चीज़ पे काफ़ी बवाल हुआ, जिन लोगों को पसंद नहीं आया, शायद वो राइट विंग को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उनकी वीडियोस डालनी शुरू करी और अनअकैडमी से कहा इनको निकालिए, हटाइए, ये कैसे मोदी जी के बारे में बोल सकते हैं, जबकि मैं तो मानता हूँ कि मोदी जी के पास डिग्री है पॉलिटिकल साइंस की और बाकी डिग्री उन्होंने भी दिखाई है, तो वो तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके ही अगर दर्शकों को, उनके ही प्रशंसकों को अगर डाउट हुआ उन पर, तो उन्होंने रेज किया इशू और काफ़ी जगह बवाल हुआ। तो कल क्या हुआ कि उनको निकाल दिया गया। जब उनको टर्मिनेट कर दिया गया तो हमने एक ट्रेंड कराया कि अनइंस्टॉल अनअकैडमी, वो ट्रेंड हुआ, वो नंबर 1 ट्रेंड चला, सुबह तक चला। तो सुबह दिलीप सर ने शायद 7-8 ट्वीट करी जिसमें उन्होंने अनअकैडमी को या पूंजीपतियों को डिफेंड करते हुए, वो पहले से भी आजकल वो ज़्यादातर पूंजीपतियों को डिफेंड कर ही रहे हैं अडानी के बाद, अब रोमन सैनी और उनको डिफेंड करते हुए कि बहुत सही निर्णय है, लेकिन फिर भी मतलब वो भी बैलेंस, मंकी बैलेंसिंग करते हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए था ऐसा कर दिया, लेकिन फिर भी ठीक है, किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कोई ऐसा पढ़ा रहा है। तो अगर कहीं नाम लेके बोला जाए तो शायद बिल्कुल गलत थे करण सांगवान, लेकिन करण सांगवान ने नाम नहीं लिया था। तो उसी पर पॉइंट आउट करते हुए रफल गांधी जी ने दिलीप जी को ट्वीट किया कि मैंने पहली बार ऐसा कोई प्रोफेसर देखा है जो शिक्षा के खिलाफ ट्वीट पे ट्वीट किया जा रहा है, क्योंकि इनकी 7-8 ट्वीट आ चुकी थी तो सबके TL पे आ रही थी, हमारी पर भी आई तो उन्होंने बोला। तो इस चीज़ पर दिलीप जी का शायद थोड़ा BP हाई हुआ है, नहीं हुआ मुझे नहीं पता कि उनकी उम्र क्या है, उनकी कि उन्होंने बोला ए शर्मा और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तो विवाद कर स्पेस रखने की बात हुई और ये कर वो कर, ऐसा दिलीप जी ने कहा। तो मैंने 1:23 पे स्पेस रख दिया, दिलीप जी आप डेमोक्रेटिक इंसान है, आप बीच में मत बोलिए, मैं इन सबको निजी टिप्पणी नहीं मान रहा हूँ, थैंक यू। नहीं नेगेटिव, अरे सर आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, फ्लो मत तोड़िए ना, आप समझिए, आप इतने बड़े विद्वान हैं सर, आप इतने बड़े विद्वान हैं, आप अम्बेडकर और परियार की फोटो लगा के चलते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे अम्बेडकर और परियार से याद आया, ये सब कोई निजी टिप्पणी नहीं है, सब ठीक है सर। सर नहीं सर, निजी टिप्पणी नहीं सर, मैं निजी टिप्पणी आप सिर्फ ट्वीट में करेंगे, स्पेस में बात नहीं करेंगे। ट्वीट की बात स्पेस से आई है, ट्वीट पे आपने इनको शर्मा बोला, ठीक है वो शर्मा है, वो ब्राह्मण है, पूरा ट्विटर जानता है, और तो आपने बोला इनको शर्मा, आप उनकी जाति पता, मैंने कभी ऐसा कहा नहीं, मैंने ऐसे कभी मेरे किसी ट्वीट में मैंने नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे ये दो ये करो वो करो, मैंने कभी नहीं बोला, कहने वाले कहते हैं, मैं कभी कुछ नहीं कहता हूँ, ये बात मैं फैक्ट बता रहा हूँ। शायद जाति देखी, लेकिन मेरे पास उसके बाद बहुत ज्यादा सवाल है, तो मैं पहला सवाल तो आपसे बोल रहा हूं, आप इसको ध्यान रखिएगा कि दिलीप जी आपकी जाति क्या, आप मंडल है, क्योंकि मंडल बंगाल में भी होते हैं और बड़ा ही बहुत वैसा है, ये पता नहीं लगता कि कौन क्या है, तो आप बताइए, आप जाति के ऊपर बात करते हैं, सबकी आवाज उठाते हैं, तो आप पिछड़े समाज की आवाज उठा रहे हैं, तो उनका जानने का हक है कि आप कहां हैं उसमें। तो पहला सवाल तो ये है
फिर आपने बात रखी, स्पेस स्पेस पे बात होती रही और आप करण जी को जबकि करण एक पिछड़े आते हैं, आप सोचिए कि एक इंसान जो पिछड़े समाज से आता है जो LLB करके बैठा है, आपको पता है कि इतना कोई अमीर आदमी LLB कर नहीं पाता है, जो जिसके घर में बड़ी प्रॉब्लम होती है वो सोचता है कि चलो भाई वकालत कर लेते हैं हम यहाँ से, झांसी यूनिवर्सिटी से, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से, फलाना से, ढिमकाना से, या फिर इसका पेपर देते हैं मेहनत करके। इंसान मेहनत करके उसने LLB की, बाकी सारे एग्ज़ाम दिए, एक पिछड़े समाज का व्यक्ति जैसे तैसे करके अनएकेडमी पहुँचा, उसको अच्छा पैकेज मिला, और आप मतलब एक पिछड़े की नौकरी जाना, और सर आप उसको उसके खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठा रहे, हमने अनइंस्टॉल अनएकेडमी चलाया, तो आप बोल रहे हैं कि वाहियात है अनइंस्टॉल अनएकेडमी चलाना, ये तो गलत है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आया कि सर आप पिछड़े की आवाज़, आप पिछड़े के खिलाफ हैं या उसके साथ थे, क्योंकि अगर आपको तो सर उसकी नौकरी के लिए एकदम धरना प्रदर्शन कर देना चाहिए था ट्विटर पर नहीं, आपकी तो सरकार में इतनी जानकारी है, आपको तो बोलना चाहिए था कि कैसे हो गया ये, एक पिछड़े के साथ कैसे हो गया। मैं मानता हूँ अगर किसी शुक्ला शर्मा, दुबे, श्रीवास्तव इनके साथ होता मैं मान सकता था, सर वो अपना देख लेते उनकी पहुँच होती है, लेकिन एक पिछड़ा सांगवान, एक जाट समुदाय का लड़का, वो जो अभी काफ़ी युवा है, जो बच्चों को पढ़ा रहा है, बस इतना बोल रहा है कि आप भाई पढ़ो लिखो को वोट दो, इतनी सी बात पर उसको निकाल दिया गया, सिर्फ इतनी सी बात पर सर, और आप उस पर कुछ नहीं बोल पाए सर, ये तो सर बहुत गलत हो गया ना, आप ये तो इतना गलत हो गया कि आपको लोग इतना मानते हैं, पूछते हैं यहाँ पे, और आप ही सर उनको ऐसा कर रहे हो, आपको ऐसे कौन पूछेगा अगर आप उनकी हक की आवाज़ नहीं उठाओगे तो सर, ये तो बहुत गलत बात है ना। तो लेकिन आप फिर भी फिर आप ट्वीट आप भूमिका ये बनाते रहे कि स्पेस करेंगे, जबकि स्पेस 1/23 पे आपने एक ट्वीट भी किया, तो अब ट्विटर से ही सब स्टार्ट हुआ, ट्वीट से, तो अब स्पेस में आए हम, तो वो सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। तो आपने अभी ट्वीट किया कि मैंने 1:39 पे किया, इसने 1:39 पे किया, देखा जाए तो समय एक है, लेकिन सर मैंने 1:23 पे कर दिया था आपको टैग करके, उसके बाद आपने किया, और आपने 10 बजे रखा, हम तो आए भी, आपने मुझे निकाल दिया, खैर इनको बोलने का मौका दिया, लेकिन आप ये झूठ कब से बोलने लग गए दिलीप सर? मैंने तो सुना था कि केवल 2 ही लोग झूठ नहीं बोलते हैं, और उसमें एक आपका नाम था, और आप झूठ बोल रहे हैं सर, समझ में नहीं आता आपके, आप इतना बदल क्यों गए हैं? आप अडानी को गाली देते थे, आज उनके साथ हैं, वो छोड़ो अडानी, आपने तो हमारे मोदी जी को अनपढ़ बोला हुआ है, लेकिन मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है, तो मेरे ख्याल से आप बोलने दें दिलीप जी को तो अच्छा रहेगा, वरना फिर कहेंगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, मेरी बात हो गई स्पेस वाली, मैं ये कह रहा हूँ कि सर आपको मतलब थोड़ा ध्यान देना चाहिए करण सांगवान का, और आप बोलिए उस पर कि आपने करण सांगवान का साथ क्यों नहीं दिया एक पिछड़े का, मेरा सवाल ये है, और एक अपनी जाति का, बस वो 2 सवाल है मेरा, बोलिए सर। ठीक है, मैंने नोट कर लिया, सारे सवाल पूछ लो इकट्ठा सारे लोग ना, फिर मैं इकट्ठे ही जवाब दूंगा। नहीं सर आप बोलिए, मैं धीरे धीरे, नहीं मतलब मेरे पास सब तय करोगे, मतलब हम भी तो कुछ तय करेंगे ना, आप लोग सारे सवाल इकट्ठा कर लो सर, 2 सवाल का जवाब तो दीजिए। राहुल गांधी पूछ ले और लोग जिनको उनको पूछना है ना, निमो एक सेकंड, निमो एक सेकंड, क्योंकि मैं एक ही गो में अपने जवाब आपको सब, निमो एक सेकंड, एक सेकंड, और जब सारी बातचीत हो जाएगी तो मतलब that will be मतलब end of my deliberation, so आप पूरा तो आप बात आप संवाद नहीं करेंगे कर ना? मंडल साहब आप संवाद नहीं करेंगे, सवाल से भागेंगे आप, सवाल पूछ ही नहीं रहे हो, पूछो पूछ रहे ना, आप जवाब दे नहीं रहे हो, देखो सारे पूछ लो ना, सारे ऐसे थोड़े होता है कि मतलब सारे के आप भी दबाती है क्या, आपको लिख के भेजे सारे आप बैठे हो सामने, आप नोटिस को सपोर्ट करते करते उनकी तरह बन गए आप सर, आप तो सारे तो तुम दोनों लोग बोलो मत, बोलते आप तो सवालों का सामना, दो लोग मत बोलो, हम तो सर आप अजीब बात है, एक बोल रहे दो बोल रहे आप बात नहीं कर रहे हो। नीमो भाई तुम माइक को म्यूट करो, तुम म्यूट करो, नीमो को बोलो, नीमो चुप हो जाओ भाई, ये वरना पता क्या, ये अभी तो निजी टिप्पणी करके बड़े 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 वो बन रहे हैं विद्वान, और वो पता क्या ये कल सारा दिन और ट्वीट इस स्पेस के बाद ट्वीट करने वाले, निजी टिप्पणियां करने वाले, और कुछ नहीं, दो लोग थे फलाने थे ये थे, इनको बोलने, इनको जैसा चाहते हैं ना उस तरीके से जवाब देने, दो सर आप जवाब दो, हमें कुछ नहीं पूछना आपसे, और जवाब बोलो करो अपने, और स्पेस में कोई क्वेश्चन नहीं मेरे लिए? अरे सवाल तो बहुत आया था इकट्ठा करके, तो आप ऐसे लग रहे हो कि गानों की फरमाइश मांग रहे हो कि फलाना गाना सुनाएंगे मंडल जी, क्यों भाई बताओ, पूछा आपसे सवाल कि आपने झूठ क्यों बोला, राफेल भाई आपने झूठ क्यों बोला, राफेल भाई एक सेकंड मुझे बस एक चीज बोलने दीजिए, दिलीप जी आप प्रोफेसर हैं और मीडिया के बच्चों को पढ़ाया है, मीडिया में इतने साल काम किया है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक कॉमन सेंस है कि सवाल जवाब दो तरफा होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कुछ बड़े नेता सवालों की लिस्ट मांगते हैं पहले इंटरव्यू देने से पहले,
वैसा हम आपसे उम्मीद नहीं करते हैं। एक डेमोक्रेटिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह आप बात करिए जिसमें दोनों तरफ से सवाल जवाब हों, क्योंकि आपके जवाब से भी सवाल हम लोगों के पैदा होंगे। ऐसा मत करिए कि हम आपको लिख कर दें कुछ और आप उसका फिर जवाब देंगे, ये बहुत अनडेमोक्रेटिक है, आपसे ये उम्मीद नहीं है। आप लोगों के पास इस बात को लेकर कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं है, जो है बढ़िया है, इट्स रॉन्ग आइडिया। इसको लेकर आप लोग सहमत हो तो मेरे ख्याल से एक तो बातचीत का यहाँ पर एक सिरा बिल्कुल स्पष्ट होता है, क्योंकि खिलाफ है। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों को चुना जाए, अलग से कोई उनको प्रेफरेंस मिले, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ये एक तरह से भयानक किस्म की प्लूटोक्रेसी है कि जो फिलोसोफर किंग का आइडिया था कि जो विद्वान लोग होंगे वो देश चलाएंगे तो अच्छा चलेगा, ये आइडिया पूरी दुनिया में रिजेक्ट हो चुका है। इसको आज की तारीख में कोई डेमोक्रेसी नहीं मानती है। और हुआ है जैसे मैंने आपको अगर मैं बताने की कोशिश करूं ये किस तरह से आता है तो मैं ले जाऊंगा और इसके लिए आपको थोड़ा सा जो सिटी स्टेट के आइडियाज हैं या जो इंडियन जो उस तरह के लिच्छवी से लेकर वैशाली कुछ लोगों ने आपस में चुन के सरकारें चलाई, ऑलमोस्ट पंचायती टाइप का सिस्टम जो गांव वगैरह में चलता है, जो प्री पंचायती राज जो इंडिया का है उसमें जिस तरह से चलता है उस तरह से चलता रहा है। लेकिन धीरे धीरे डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई, आप जानते हैं कि और शुरुआत में सबको वोट देने का अधिकार नहीं होता है दुनिया में, सारे दुनिया में यूनिवर्सल वोटिंग राइट और यूनिवर्सल चुने जाने का अधिकार बहुत इवॉल्व। लेकिन अब आज और करण ने जो पढ़ाने में गलती की है टीचर के तौर पर, वो लॉ के खिलाफ नहीं पढ़ा सकते हैं, उनका बच्चा फेल हो जाएगा। अगर एग्जाम में लिख दे कि पढ़े लिखे लोगों को तरजीह दी जानी चाहिए कम पढ़े लिखे लोगों के मुकाबले चुनाव में, जस्ट इमेजिन जो उन्होंने बोला, टीचर तो बोला है सर आपकी आवाज कट रही है, दिलीप जी आपकी आवाज कट रही है, अब वैसा सुन लो यार प्लीज। तो ये जो अगर ये सोचिए ना करण, कोई एक विद्यार्थी दसवीं का भी विद्यार्थी अगर एग्जाम में लिख कर ले जाए पॉलिटिकल साइंस में ट्वेल्थ में कि पढ़े लिखे लोगों को चुना जाना चाहिए, जस्ट इमेजिन ये कोई बोल दे, वो बच्चा फेल हुआ कि नहीं होगा एग्जाम में बता दो। इस इतने स्पेस में 12,000 लोग हैं पॉलिटिकल साइंस के, इसमें कम से कम तो सैकड़ों लोग होंगे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, ये बच्चा तो फेल हो जाएगा ना। आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के खिलाफ बोल रहे हो, आप जो एक पूरा सिस्टम बना है भारत में चुनाव का और उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट आर्टिकल्स हैं वो उन आर्टिकल्स के खिलाफ बोल रहे हो, आप डिस्क्वालिफिकेशन का जो आर्टिकल 102/191 है उसके खिलाफ बोल रहे हो। तो ये तो एक टीचर के तौर पर मैं उससे ये उम्मीद नहीं करूंगा क्लासरूम के अंदर वो चीज पढ़ाए जिसको पढ़कर बच्चा फेल हो जाए, ये प्रॉब्लम है इसमें। इसलिए मैं कह रहा हूं जबकि अनअकैडमी को टीचर बहाल करते समय निश्चित रूप से देखना चाहिए, अगर लॉ का टीचर है पॉलिटिकल साइंस का टीचर है, कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक किस तरह से इवॉल्व हुआ है, कैसे जस्टिस हर किसी तक पहुंचे, ये कितना इंपॉर्टेंट। भारत आज इसलिए मजबूत है क्योंकि भारत में हर आदमी वोट देता है और एटलीस्ट ड्रीम में थियोरेटिकली वो डेमोक्रेसी की ताकत है, ये डेमोक्रेसी की ताकत आप छीन लेना चाहते हैं जो आप कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को चुनना चाहिए। अब आप सोचिए थोड़ा सा इसको और थियोराइज कर लो कि जो ग्रेजुएट है उसको चुनना चाहिए, पढ़ा लिखा आप भारत के सुनो क्या सुनो वही वहाँ से नहीं आप सुनो मेरी बात क्या सुने भाई सुनो नहीं क्यों सुने वहाँ सुन ली ना मैं सवाल से भाग रहे हैं आप सवाल से भाग रहे हैं नहीं सुनोगे तो फिर आप सवाल से भाग रहे हैं सर
मैंने आपको आपको जब बुलाया और आपको जब मैंने 20 मिनट बोलने दिया, 15 मिनट एक बार मैंने नहीं नहीं आप 20 मिनट जो वहाँ बोला 20 मिनट यहाँ बात बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, मतलब जो ही नहीं है ये बात ही नहीं ना सर। आपसे किसने कहा कि हम बोलना तो दो नहीं, तो आप बताओ झूठ क्यों बोला? हम तो कह रहे हैं कि दिलीप मंडल झूठा है, नीरव मोदी सच्चा है, आप झूठे क्यों है पहले तो ये बताओ। ये तो फिर बोलो, ये मैं जब छोड़ के चला जाऊंगा तो भाग गया करोगे तो भागोगे, डर के ही भागोगे सर। हम तो एक सीधा सा सवाल है कि स्पेस हमने पहले रखा था तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं आप सुन नहीं रहे, तो आप झूठ क्यों बोला? आपने झूठ क्यों बोला? आप रोक रहे हो ना? आप नहीं, आपने सीधा सा सवाल है, आपने झूठ क्यों बोला? क्या दलील मतलब झूठा है? बोलो ना फिर, बोलने तो ना। मैं अरे मैं आप मैं पुलिस स्टेशन बैठा नहीं फिर, अरे फिर वही आप तो वही आप फिर भाग जाएंगे बाद में, जवाब देके जाएंगे आप, जवाब देके जाएंगे आप क्या है मतलब आप अरे आप जो बोलेंगे नहीं 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 अरे तो आप जो बोलोगे वही मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं नहीं कह रहा, मैं बोला कम से कम जवाब तो दोगे, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ कि आप जो बोलोगे सवाल का जवाब तो दोगे। मैं बोलूंगा अपनी बात, आप बोलो अपनी बात, सवाल का जवाब दोगे। दोनों ट्वीट ऊपर शेयर किए हैं, दो लोग बोलने लगे, मैंने दोनों ट्वीट अपनी शेयर की है, आपकी ट्वीट है उस पर। अरे ये भाई भाग जाएगा और फिर ट्वीट करना शुरू कर देगा ये आदमी। हेलो 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 रफुल भाई, इसका आनंद क्यों ले रहे हो यार? आप बात तो सुनो मेरी बात, मुझे आपने 7वां मिनट नहीं पूरा करने दिया, इतना धैर्य क्यों है यार? सर धैर्य नहीं सर, आप 7वें मिनट आप सवाल का जवाब दीजिए ना, हम तो सवाल नहीं, नहीं मैं आप अरे नहीं देगा भाई, ये नहीं देगा सवाल है, एक मिनट रुको, तुम थानेदार हो, ये अपनी लाइब्रेरी खोल के बैठा है यहाँ पे, ये यही सब करेगा। अरे रफुल भाई सुनो मेरी बात, सुनो, गुंडागर्दी मत करो यार प्लीज। सुनो दिलीप जी, आप ऐसी आवाज मत निकालिए जैसे आप, नहीं मैं निकाल रहा हूँ ऐसी आवाज यार, आप सीधा आपने आवाज निकाली कि आपने मुझे 7वें मिनट पर इंटरप्ट, आप सीधा जवाब दीजिए कि आपने झूठ, दिलीप मंडल झूठा है, ये कि आपने झूठ बोला तो बोला क्यों? आपने सुनने का आपने धैर्य, अच्छा सुनो, अरे धैर्य है गुरुदेव धैर्य है, आप आंसर तो करिए, सुनो मेरी बात मैं अपनी बात एक कॉन्टेक्स्ट में रखूंगा, वो मेरा तरीका है, वो गलत हो सकता है, इस पर आप क्रिटिक कर लेना, लेकिन मुझे अपनी बात ही नहीं रखनी होगी। तो यही बात मैंने बोला, मैंने बोला कि तुम लोग एक एक घंटा बोल लो, उसके बाद मुझे मंडल जी एक सेकंड आप जो बात बोल रहे हो कि आपको हक है अपनी बात रखने का, सुनो ये तो वही काम तो करण सांगवान ने भी किया, ये अपने साथ, ये सुनो वो दूसरे लोग होंगे जो अपने साथ ही होने देंगे। दिलीप मंडल ने नरेंद्र मोदी को उन पर बोला क्या? शेखर गुप्ता दिलीप मंडल को नौकरी से निकाल दे, आप जवाब दो। अरे मैं बोलूंगा जवाब दो अबे तुम मतलब क्या हो तुम यार? भाई सुनो, हेलो, हम इस देश के संचालक हैं दिलीप मंडल, रफल क्या है? निमो रफल देखो गुंडागर्दी कहीं, अरे मैं आदेश आपने सर एक मिनट भाई, ये बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं, पहले इन्होंने मेरे को मॉब लिंचर बोल दिया वहाँ पे, अब मेरे को गुंडागर्दी करने बोले, सर आप क्यों बोल रहे हो? अरे सुन तो लो, आप ये क्यों बोल रहे हो कि हम गुंडागर्दी कर रहे हैं? गलत बात मत बोलिए सर, आप इतने बड़े विद्वान हैं, आपका इतना नाम है, इतना फॉलोअर बेस है, आप सर मेरे को मॉब लिंचर और गुंडागर्दी करने वाला बोल रहे हैं, सर मेरे को लोग सच में पीट देंगे आपके समर्थक, मेरा क्या होगा सर अगर मुझे कुछ हो गया? तो मैं फिर आप पे, मैं तो आपको बोल भी नहीं सकूंगा दिलीप मंडल जी ने मेरे खिलाफ लोगों को बरगलाया गुंडागर्दी और मॉब लिंचर बोल के। दिलीप जी प्लीज अपने शब्द वापस लीजिए, मुझे डर लग रहा है दिलीप जी आपके समर्थकों से, आप एक बार बोल दीजिए मैं मॉब लिंचर नहीं हूं और मैं गुंडा नहीं हूं। दिलीप जी प्लीज बोल दीजिए, दिलीप जी आपकी चुप्पी है क्या कह रही है? और मैं फिर इज्जत से, दिलीप जी मत भड़काइए लोगों को आपसे, सर आप हमारे बातों का जवाब दीजिए सर प्लीज। भाई बोल दिया गुंडागर्दी कर रहे हो अभी, क्या गुंडागर्दी क्या हो गया? अगर सवाल पूछना गुंडागर्दी है तो सर देश का हर पत्रकार रवीश कुमार को गुंडा बोल रहा है क्या? तुमने सवाल पूछ लिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने आंसर कहाँ दिया? मैं पूछ रहा हूँ सर, आपने झूठ क्यों बोला? बस इतना बताइए, मुझे नहीं जानना। मैं नहीं बैठा हूँ ना, कहाँ पे नहीं बैठे हैं आप? मैं जैसे बोलना है वैसे बोलूंगा ना, तुम हो कौन बोलो। चलो ठीक है सर, आप अपना समय लीजिए, देखते हैं आप मेरे जो दो सवाल हैं आप उनका जवाब देंगे कि नहीं। अब आप पूरा बोलिए, मेरी चॉइस होगी ना, मैं एग्जाम में दो पेपर छोड़ दो क्वेश्चन छोड़ दूंगा, मेरी मर्जी, तुम कौन हो यार? अच्छा मतलब आपको जवाब नहीं देना? नहीं 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 भी दे सकता हूँ, दे भी सकता हूँ। अरे गुरुदेव लेट मी डिसाइड,
ओके ओके। अरे भाई इन्होंने सुबह चार पन्ने पढ़े हैं, वो यहाँ उसकी उल्टी करने आएंगे। चार पन्ने नहीं, मैं अभी दो घंटे पढ़ाऊंगा तुम्हें, दो घंटे सुनोगे गुंडागर्दी है। तुम हो गुंडागर्दी नहीं है, अनुशासन है जितना तुम जनता के हो मंडल। अजीब बात है, बात सुन नहीं रहे हो, बुला लिया है सात मिनट के बाद जाए जाए शुरू कर दी। कुत्ता का सिटी कहीं और करना यार, किस आदमी के साथ बात कर रहे हो सर आप तो अपने। चुप, एकदम चुप रहो यार। अरे सर हम क्यों चुप रहे हैं, आप तो आंसर दे ही नहीं रहे हो। अरे भाई, हम क्यों चुप रहे हैं, अगर हम आपकी तरह बदतमीजी पे आ गए ना सर, करो ना बदतमीजी, कर लो ना भाई, आपकी तरह बदतमीज इंसान नहीं, कर लो कर लो, आप लोगों को भांड बोलते हो यार भाई, सर का कर ले भाई, तू बदतमीजी कर रहा है, क्या समझते हो, तू बोलने दे नहीं जा रहे हैं। 20 मिनट आप होंगे प्रिंट मीडिया के बहुत बड़े मठाधीश, यहाँ पे स्पेस में आए हो तो जवाब देना पड़ेगा, आपने चैलेंज किया था हम ये देंगे हम वो देंगे, और आप आपकी बोलती नहीं निकल रही है, आप अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, कर्मा है ये वो है। अरे अपनी जाति बताइए गुरुदेव, आप बताइए, मैं बता रहा हूं, मैं डिसाइड करूंगा ना, आप बताइए, आप नरेंद्र मोदी को अपने अनपढ़ क्यों बोला, आप बताइए। अब मैं इस स्पेस को बंद कर दूंगा, तुम कहोगे भाग क्या, भाग भागोगे आप, आप भागोगे क्या, आप जवाब नहीं दे रहे हो, मैं जवाब दे तो रहा हूं, बोल दे। अच्छा नहीं मैं बोल लेते, पास हो रहा है, इतना तेज मत बोलो, डिसाइड हाउ आई टॉक, यू कांट डिसाइड, इतना से बात नहीं समझ में आ रही है, मैं क्या बोलूं, मतलब मान लो कि मैं कोर्ट में कटघरे में हूं, मैं अपनी बात बोलूंगा ना सर, तो यही बात तो लग रहा है, तुम चार चार लोगों को बैठा के रोज ओपिनियन करते हो, तो तुमको लग रहा है उनकी तरह मेरे साथ बात करोगे, अजीब बात, मैं बोलूंगा अपनी बात, तुम बोलो अपनी बात, बात खत्म, लेट पीपल डिसाइड, जनता डिसाइड करेगी कौन बकवास कर रहा है। मैंने सुन लिया, बोलिए आप, स्टार्ट कर जी बोलना, स्टार्ट कीजिए, क्योंकि और भी लोगों ने आपसे सवाल पूछना था, चाहते हैं, स्टार्ट कीजिए गुरुदेव। नहीं सर नहीं देंगे जवाब, ये देख लेते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं, बहुत देर से बोलना बोलना कर रहे हैं, गुरुदेव आप स्टार्ट कीजिए। हाँ तो सुनो, पूरा 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 प्रोसेस मैं फिर से बता रहा हूँ, पूरा डिटेल सुनो, पूरा पूरा वो सुन लिया, वो वहां भी सुन लिया, यहां भी सुन लिया, तुमने मुझे डिस्टर्ब किया, मैं फिर से सुनाऊंगा। चलो ठीक है गुरुदेव, आप बताइए, कौन आर्गुमेंट कर रहा है आपसे इस बात पे जो आप बता रहे हैं, क्या हमने ऐसा बोला कि हम आपकी बात नहीं मानते? अरे मैं तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तुम नाच रहे हो गा रहे हो, ऐसे नाच रहे हो गा रहे हो, ऐसे ही मौका दे दें कि यहाँ पे आके अपनी अपना ज्ञान जानते हो, भाई बोल तो दी, वही बात हम तीसरी बार थोड़ा बोलोगे, नहीं हम तो उससे ये पूछ रहे हैं कि आपने हमारे ऊपर टिप्पणियां की, पर्सनल आक्षेप लगाए, क्या आप, क्या आप सही मानते हैं? डिसाइड करो कि निम्मो बोलेगा कि रोफल बोलेगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ, रोफल बोलेगा, निम्मो चुप रहेगा। ओके मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप जवाब देंगे? मैं डिसाइड करूँ, आप जवाब देंगे? तुम सवाल तुम पूछो, तुम पहले बात करो ना, पूछा नहीं, 10 मिनट क्यों बात कर रहे सर, हम तो हमारा तो ऐसे एक ही सवाल है, कर सकते हो, मैं आपकी सारी बात नहीं, मैं करता ही नहीं हूँ आपकी सारी बात, तो एग्री करता हूँ, आपने झूठ क्यों बोला, मेरे बात से सब बात स्पेस नीमो ने बनाया था, नीमो ने एक स्पेस बनाया था, आपने आपने झूठ बोला, तुम डेमोक्रेसी को लेकर मेरे विचारों से अगर सहमत हो तो यहाँ पर आप कर क्या रहे हैं भैया, आपने झूठ बोला, मैंने आपको एक बार भी चैलेंज नहीं किया कि पढ़े लिखों को ही चुनाव लड़ना चाहिए, मैंने क्या किया, मैं तो सिर्फ किया, मैंने कब किया, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मंडल ने जो अपने आपको प्रोफेसर कहता है, मोदी कौन पर बोला, क्या शेखर गुप्ता को नौकरी से निकाल देगा, क्या शेखर गुप्ता मंडल को नौकरी से निकालेगा, मोदी कौन पर कहता है, देखो अब मुझे तो मालूम नहीं तुम कहाँ नौकरी करते हो, करते भी नहीं करते, मैं जहाँ करता हूँ बता दूंगा, आजा मैं बता दूंगा, नंबर देता हूँ, डीएम करता हूँ, तुम उस पे मार नंबर देता हूँ, डीएम करता हूँ, हमारा सीना तो है ही नहीं, तुम तो हो ही नहीं, कोई आदमी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, लेकिन मैं आपके जो विचार है उनके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ, मैं आपके विचारों के माध्यम से जानना चाहता हूँ, जिस पैमाने पे करण सांगवान की नौकरी गई, क्या उस पैमाने पे दिलीप मंडल की नौकरी जाएगी, क्या दिलीप मंडल की नौकरी जाएगी, क्या दिलीप मंडल की नौकरी उस पैमाने पे जाएगी, दिलीप मंडल अभी भागने वाला है,
दिलीप मंडल अभी छोड़ के जाने वाला है, दिलीप मंडल बाद में प्रस्ताव क्लियर करेगा। देखो दिलीप मंडल प्रस्ताव क्या है, दिलीप मंडल दिलीप मेरी बात इसी का आनंद ले लो भैया मेरी बात। ये जो बुलिंग है ना, ये तुमने जो की है ना, ये बोल बोल के जो 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 सोशल मीडिया पैसा दे उसके खिलाफ चुप्पी साध लेना और जो ना दे देखो लोग आए हुए हैं ऊपर देखो करना। सुनो ये लोग सुन रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये भी सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं। ये लोगों से पर्दा और ये मत करो वो मत करो, ये टैक्टिक मत अपनाओ। मैं हाँ जो करण ने कहा हेलो हाँ हाँ बोलो जो करण ने कहा उस पर लोग हमारे विचार जानना चाहते हैं। तुम अपने नहीं नहीं वो कुछ नहीं जानना चाहते, वो मुझे लेना चाहते हैं। आप दो 12:35 पे मुझे चुटी काट दी आपने, मुझे चौक से मार दिया, बस करो यार। तुम क्यों डर रहे हो भाई मंडल, चेयर पर चिंगम चिपका दी। दिलीप दिलीप मंडल तुम क्यों डर रहे हो फिर, तुम क्यों डर रहे हो फिर व्यक्तिगत टिप्पणी से, तुम क्यों डर रहे हो करते हो ट्वीट में। तो सुनो तुम व्यक्ति नहीं हो ना, सुनो ना तुम करते हो ना, तुमने टिप्पणियां की आज बोला कि डर के बाप जाएगा फलाना है, तुम किस देश से बात कर रहे हो ये भी नहीं पता है। तुमने की ना तुम तो दिलीप जी मंडल तुमने बात की, हमारा तो भाई मतलब तुमको दिलीप जी मंडल से तुम मेरे से बात करने क्यों आए, अगर मैं आदमी नहीं हूँ तो बात करने क्यों आए। ये देखो तुम कितने छोटे आदमी, इस बात से तुम सुनो कि तुम मैं आदमी नहीं हूँ और तुम बात करने आए। तुम हो भी के नहीं पता ना यार, मैं हूं नहीं तुम बात कर रहे हो, तुम क्या हो, तुम कितने खाली आदमी हो। नहीं तुम बताओ, तुम बताओ मैं तुम्हारे बहुत तुम कितने खाली आदमी हो, एक आदमी का तुम्हें पता नहीं है कि इन्हें तुम बात करने आ गए। नहीं मैं दिलीप जी से, मेरा ये सवाल है कि दिलीप जी आपको मैं दिलीप बोलूं मंडल बोलूं या फिर क्या बोलूं, क्योंकि आप ज्यादातर ना लोगों का सरनेम देख के बोलते हैं। आप अपने ऑफिस में भी ऐसे बोलते हैं कि ए गुप्ता, शेखर गुप्ता को ए गुप्ता क्या चल रहा है। अब मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि फिर हम आपके लेवल पर ही बात करी जाए तो फिर वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हम जा रहे 36 मिल रहे हैं, भाग नहीं रहा हूँ। हाँ बोलो आप मतलब जवाब दे दीजिए कि आपने झूठ के बोला, फिर सर हम बात करते हैं। दिलीप जी बस झूठ वाले पे तो आंसर कर दीजिए, क्योंकि झूठ तो आपने बोला उसकी अकाउंटेबिलिटी तो आपकी रहेगी ना, हमारी तो नहीं रहेगी ना। रफल भाई आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? मुझे आ रही है, दिलीप जी को शायद नहीं आ रही होगी, हो सकता है वो बोल रहे हैं उनका नेटवर्क में कोई इशू। हम तो ये जानना चाह रहे हैं सर आपने झूठ के बोला, हम तो यही जानना चाह रहे हैं। अच्छा उत्कर्ष तब तक पूछ लेते हैं। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले दिलीप जी लगातार बार बार निमो को राफेल को बार बार ये बोलते हुए सुने गए कि तुम हो कौन, तुम हो कौन, फिर ये बोलते सुने गए तुमको पता है तुम किससे बात कर रहे हो, मैं कौन हूँ। मुझे बस ये जानना है कि बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पर हर आदमी के वोट का अधिकार बराबर है, और जैसा कि जिस बात पर बहस हो रही है कि चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ पढ़े लिखों को मिलना चाहिए या अनपढ़ों को भी मिलना चाहिए, उसमें भी इक्वालिटी है, फिर ये किस तरह का माइंडसेट है कि इतना पढ़ लिखने के बाद भी जो अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगा रहे हैं वो सामने वाले को बोल रहे हैं कि तुम हो कौन, और खुद को इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखकर इसका लॉजिक क्या है, आखिर ये कहाँ से आया है, और डेमोक्रेटिक नेशन में ये कितना जायज़ है आपके लिए दिलीप जी? दिलीप जी आपको आवाज आई मेरी? अरे आप लोग इनसे इज्जत से बात करते हैं, इनको उल्टी लग जाती है, फिर बोल नहीं पाते हैं। आप लोग सीधे सीधे बात पूछोगे तो जवाब देते नहीं। नहीं मतलब देखिए, अब इज्जत देना तो वो सबके अपने पारिवारिक संस्कार हैं, जैसे जैसी परवरिश होती है उसी हिसाब से आदमी व्यवहार करता है।
अब ये चाहे जैसे बात करते हो लोगों से, मुझे तो सिखाया गया है कि अपने बड़ों से इज्जत से बात करनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे से बड़े हैं एज में भी और ज्ञान में भी। दिलीप जी आवाज आ रही है आपको? चैट जीपीटी पर सवाल ढूंढ रहे हैं क्या? डॉक्टर नीमो उत्कर्ष, मैं सोच रहा हूँ कि इनको आवाज नहीं आ रही है, आ रही होगी तो नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए मेरा जैसा उत्कर्ष ने कहा मेरे संस्कारों में भी ये चीज नहीं है कि कोई आदमी अगर वहाँ पे नहीं है उसके बारे में बात की जाए, तो मैं दिलीप जी के बारे में और कोई बात अब नहीं करूंगा कि वो कैसे हैं, क्या है, किस मुद्दे पे, तो मैं इस टॉपिक पे और कुछ नहीं बोलूंगा अगर दिलीप मंडल यहाँ पे नहीं होंगे तो। लेकिन उनको भागना नहीं चाहिए था, मैं इतनी बात कहता हूँ, वो इतनी शेकी भगाल रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनको भागना नहीं चाहिए था, उनको जवाब देना चाहिए था। एक आंसर का, एक क्वेश्चन का उन्होंने आंसर नहीं करा दिलीप जी ने, कि मैंने झूठ बोला, दूसरों की जाति पूछ रहे। कौन बोल रहा है भाग गया, कौन बोल रहा है भाग गया, तो जरा बोलिए, सवाल पूछ रहे हैं, पूरी बात बोलो। आप क्या वहाँ पे दूध पी रहे हो क्या? आप बताइए ना कि क्या चल रहा है, जो सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब तो दीजिए। वो पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, हमको ऐसे पता लग रहा है आप यहाँ पे हो या नहीं हो। अब तो दीजिए गुरुदेव आंसर इनका, उत्कर्ष जी का, आपने आप सारी बातें सुन रहे हो और चुप लगा रहे हो। दिलीप जी आवाज आ रही है आपको? हेलो, कोई है? सर मैं बोल दूंगा भाग गए, फिर आप बोलोगे नहीं भागा हूं, तो सर भाग नहीं रहे तो क्या कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? आप एक्सपोज हो रहे हो दिलीप जी, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप एक क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए हो। आप तो हमें बता दो, मैंने ऊपर दो ट्वीट शेयर किए हैं भैया, सब देख लो कि क्या मैंने झूठ बोला, क्या इन्होंने झूठ बोला। आप इतने गणमान्य व्यक्ति हैं इस देश के, आपकी बड़े लोगों से जान पहचान है, आप प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल देते हैं आपके खिलाफ कुछ नहीं होता है, हम कुछ बोलते हैं तो FCD FIR की धमकी आती है, तो आप कुछ तो रखते हैं ना सर हैसियत, आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, आप चाहें तो कलम को जेल में डलवा दें, जैसे आपसे आपने बोला आप मेरे को जानते नहीं, मैं किससे बात, आप लोग किससे बात कर रहे हो। तो सर आप इतने मतलब पहुंचे हुए इंसान हैं, आप इतने बड़े संस्थान में काम करते हैं प्रिंट में, तो कुछ तो बोलिए सर, लोग सुनने आए आपको, जवाब। निमो, मेरा सीधा सा एक ही सवाल है दिलीप मंडल, सॉरी दिलीप सी मंडल जी से, कि आखिर वो पैमाना क्या है जिसके आधार पर ये खुद को श्रेष्ठ और बाकी सबको, चाहे आप पैरडी अकाउंट्स हो या हम ओरिजिनल अकाउंट्स वालों को भी, कौन हो तुम, कौन हो तुम, मैं कौन हो तुमको पता है क्या है, मतलब आप बताइए प्रोफेसर के अलावा आप और क्या हैं, मतलब मेरी जानकारी में तो आप बहुत कुछ हैं, मैं यहाँ पर पब्लिक स्पेस में बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप मेरे इस सवाल का बस जवाब दीजिए कि इन गुप्तकाश भाई एक मिनट, इनके एम्प्लॉयर भी आए हैं शेखर गुप्ता, मैं शेखर गुप्ता से पूछना चाहता हूँ, गुप्ता जी आपको कैसे बोलते हैं, बोलते हैं क्या ये गुप्ता इधर आ, कैसे बोलते हैं सर ये आपको, यहाँ तो सबसे ऐसी बात करते हैं, आप आके बता दीजिए गुरुदेव, आप भी जान लेंगे, आप इनको, आपने इनको एम्प्लॉय किया हुआ, आपके ही आर्टिकल आते हैं, हम तो जान लें ऑफिस में क्या माहौल रहता है। नहीं, शेखर गुप्ता जी तो लिबरल इंसान है, हर तरह के आदमी को मौका देते हैं अपने यहाँ पे प्रिंट में लिखने का, तो जो भी लिखे जाएगा व्यूज तो आएंगे, चाहे इधर का लिखे उधर का लिखे, वो तो ना, ना, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि सर तो बिजनेस है यार, बिजनेस तो कोई भी, हम तो आपको आदरणीय शेखर गुप्ता जी बोलते हैं, ये आपको बोलते हैं ये गुप्ता, जैसे इनको बड़ी खींच है कुछ लोगों से, आपसे होती है कि नहीं सर, आपको गुप्ता बोला जाता है, जी लगा देते हैं आपके पीछे, ट्वीट कर देना सर, आर्टिकल छाप देना, इस पर वेट करेंगे उस पर। उत्कर्ष भाई बोले, मेरा म्यूट हो जाता है बार बार, पता नहीं कौन म्यूट कर देता, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, शेखर जी हम तो आप हमारे आदरणीय हैं, हमारे और दिलीप मंडल जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। तो जवाब नहीं दे रहे, एक सवाल है मेरा, और भी जो एडिशनल था वो लिख लेंगे, चिट्ठियां देंगे बाद में, रिप्लाई करेंगे सबका, कि जिसको ये सवर्ण गैंग बोलते हैं, जिसमें कि रवीश कुमार, विशार शर्मा और अजीत अंजुम और जितने भी इतने पत्रकार हैं जो कि चैनलों से निकाले गए हैं, उनको ये सवर्ण गैंग बोलते हैं, तो क्या शेखर गुप्ता सवर्ण गैंग में आते हैं कि नहीं आते हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जिससे ये तनखा लेते हैं, प्रभाकर मिश्रा को संजय पुरिया उसमें आते हैं कि नहीं आते हैं, मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ उस गैंग में, या ये लोग आते हैं या कुछ लोग जो इनको पैसा देते हैं वो निकाल दिए उन्होंने इस गैंग। मैंने देखा इन्होंने प्रभाकर मिश्रा को बोला सुदामा, अरे दिलीप जी
आपके ऑफिस में कितने गोदाम काम करते हैं? निमो भाई देखो, जातिवाद के मामले पर इनसे आप जीत नहीं सकते। तो वो देखा था मैंने, प्रभाकर जी इतने सीधे सभ्य पत्रकार हैं, शालीन पत्रकार हैं, उन जैसे आदमी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, सुदामा बोला और क्या क्या बोलते रहते हैं। जाति पर तो मत इनको लेकर जाइए, क्योंकि ये उनकी फील्ड है और उसमें इनसे जीतना तो नामुमकिन है। मतलब इसी में शायद इन्होंने पीएचडी की है और प्रोफेसर ये इसी के हैं। लेकिन नहीं, जान ही नहीं है वो तो। मैं तो इनके सारे विचारों का जो ये रिसर्च करते हैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, अभी मैं साइंस से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो ये करते हैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं तो सिर्फ इनसे इतना जानना चाहता हूँ, क्या शेखर गुप्ता और संजय पुगलिया ये दो लोग भी उस सवर्ण गैंग में आते हैं कि मीडिया के नहीं आते? दिलीप जी हम बोलेंगे, आप भाग गए तो बोला कहाँ भागा भाई, मैं यहीं पे हूँ। आप बोलोगे नहीं दिलीप जी, आप कुछ खैर क्या ही बोले। हेलो दिलीप जी, दिलीप जी, हेलो इनको पता है जितना बोलेंगे ये, जितना बोलेंगे इतना एक्सपोज होंगे, तो उन्होंने सही स्ट्रेटजी। देखो ये मोदी जी के उसमें आजकल ट्वीट कर रहे हैं सपोर्ट में, तो उनसे कुछ तो सीखेंगे ना, या उनसे कुछ नहीं सीखेंगे? ये केवल अपने प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं, दूसरे के प्लेटफॉर्म पे इनसे कोई सवाल कर ले, बेसिक साइंस से कोई सवाल कर ले, ये उसका जवाब भी नहीं देते हैं। झूठ बोलते रहते हैं, इन्होंने झूठ बोलने का झूठ हमने पकड़ लिया। अपने फॉलोअर्स को बरगलाते रहते हैं, अपने फॉलोअर्स के सामने दूसरों को बोलते हैं कि ये गुंडे हैं, ये मवाली हैं, ये मॉब लिंचर हैं। मॉब लिंचर बोल दिया। मॉब लिंचर की वजह से बहुत गलत बोला किसी के लिए, मॉब लिंचर बोलना बहुत गलत है। और इनके जैसे पढ़े लिखे, अगर ये पढ़े लिखे हैं तो उस आदमी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो मतलब सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल तो खैर ये करते ही हैं, लेकिन मॉब लिंचर बहुत बड़ा टैग है। मतलब मॉब लिंचिंग इतनी बड़ी विभत्स चीज को ये इतना सिंपली तरीके से किसी को भी कैसे कैजुअली ये बोल सकते हैं? मतलब ये तो बहुत डेरोगेटरी है। मतलब इनकी जो गालियां होती हैं, जो कास्टिस्ट कमेंट होते हैं, उन सबसे ज़्यादा मतलब मुझे वाहियात ये मॉब लिंचर वाली चीज़ लगी। तो इस पर तो मुझे लगता है कि दिलीप सी मंडल जी को पब्लिक अपॉलॉजी करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए हाथ जोड़कर निमो से। मॉब लिंचर मत बोलिए सर, मैं ऐसे मानसिकता का व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं किसी के खिलाफ ऐसा बोलूँ। दिलीप जी अगर आप आओगे मैं लास्ट बात कह के कंक्लूड करना चाहता हूँ अपनी बात, मुझे बहुत ज्यादा नहीं ठीक रहा। एक पहली बात तो कुछ सुनने वाले कह रहे हैं कि इतने सारे लोग मिलके दिलीप जी की हैकलिंग ना करें, ये करें। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि इनके स्पेस का अपना एक अंदाज था 15-15 मिनट बात करने का, हमारा स्पेस आज ही नहीं, आप हमेशा सुनते हैं, हम स्पीकर सेट करते हैं, सौ देते हैं, हमारा सिर्फ इतना सा मोटिव है। ये चाहें तो अपने अपने स्पीकर लेके आए, अपने लोगों को ऐड करवा के पूछें सवाल, ये भी पूछवाएं, तो हमारा स्पेस करने का ये अंदाज है। तो ये ना बुलिंग है ना हैकलिंग है, कुछ नहीं है, हम हमेशा एक सेकंड, अपने लोग और उनके लोग ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैं आपको जानता हूँ ना मैं निमो को जानता हूँ, और यहाँ पर मौजूद 100,000 लोगों को मैं जानता ही नहीं हूँ कौन है। बात यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन की है, और कॉन्वर्सेशन हमेशा टू वे होता है। ये जर्नलिज्म के स्टूडेंट रहे होंगे, पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं है, लेकिन कम से कम पढ़ाते थे और चैनलों में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। टू वे कम्युनिकेशन बहुत बेसिक सा कॉमन सेंस है जो हर बच्चे को पढ़ाया जाता है जर्नलिज्म के। अब जो बातें ये अपने स्पेस में 15 मिनट उन्होंने एक भाषण दिया, यहाँ पर भी आकर ये भाषण ही देना चाह रहे थे। इनफैक्ट यहाँ पर मुझे नहीं दिखा अभी इतनी देर में कि 3-4 लोग एक साथ उनको बोल रहे हैं, अगर एक कोई बोल रहा है तो दूसरा चुप हो जा रहा है। तो बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से इनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न है कि दिलीप सी मंडल जी अभी फ़िलहाल जवाब नहीं दे रहे। मैं जाते जाते एक सवाल और मेरा मुझे ऐड करना है कि बतौर पत्रकार बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, मुझे काफ़ी पहले एक जानकारी आई कि ये बिहार की एक पार्टी से राज्यसभा जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात बनी नहीं। और अभी बीते दिनों से इनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या इंक्लिनेशन है वो हमें बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट दिखाई दे रहा है। तो मेरा सवाल दिलीप जी से यही है कि क्या आप ये दूसरी तरफ से राज्यसभा जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनकी कोई अंतरात्मा जागी वागी है? इस पर कृपया प्रकाश डालिएगा। देखो दिलीप मंडल तो अब बोलेंगे नहीं, वो तो बोलने से रहे अब तो।
चलिए शुक्रिया फिर, अगर दिलीप मंडल नहीं बोल रहे हैं नहीं, तो एक काम कीजिए हमारे भाई, बाकी के तीन स्पीकर हो रहे हैं, इनकी भी बात सुनिए। मैं दिलीप मंडल नहीं बोलेंगे, 11 से मेरा टाइम होगा, मैं बोलूंगा, तुम लोग बात कर लो आपस में ना। अरे गुरुदेव कब बोलोगे फिर? आपके वजह से एक बंदा बाहर जाके स्पेस कर रहा है यार, आपने चैलेंज किया था, वो अपने घर पे नहीं है, कब बोलोगे आप? अब बोलिए तो सही, कब बोलोगे आप? अब क्या रात के 12 बजे बोलोगे? 15,000 लोग सुन रहे हैं आपको। देखो तुम लोग फिर मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि मैंने बोला 7 मिनट 15 मिनट मुझे डिस्टर्ब किया एब्रप्टली, दोनों लोग मेरे वो भौंभौं शुरू कर दिया, राइट? तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोग अपना भौंभौं कर लो, देन आई विल टॉक, राइट? नहीं नहीं, भौंभौं क्या होता है दिलीप जी, थोड़ा बात करने की तमीज लाइए, आप इतने पढ़े लिखे तो अरे वो कुत्ते जो से बोलते हैं उसको भौंभौं बोलते हैं यार। पढ़े लिखे से क्या होता है दिलीप मंडल जी, पढ़ा बात आप तो कह रहे हो पढ़े लिखे से कुछ होता है ना, जहां 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 करते हैं उसको कौन बोल, तुम लोग नहीं, ये भौंभौं से झाए झाए पर क्यों आ गए? इसका मतलब आप कह रहे हो कि अनपढ़ बदतमीज होते हैं, आप कह रहे हो कि पढ़े लिखे हो बदतमीजी मत करो, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि अनपढ़ बदतमीज होते हैं? दिलीप मंडल जी बोलिए, अब आप प्लीज बोलिए, क्योंकि बहुतों को मतलब जाना भी है, आप बोलिए। आप कम से कम आप फ्री हैं लेकिन दूसरे लोग फ्री नहीं हैं दिलीप जी, आप उनका तो समय का थोड़ा रखिए ख्याल। अरे हाँ, इन्होंने एक, चलो अब नहीं बोल रहे, मैं एक और चीज़ बोलता हूँ। ये कहते हैं मेरे से कि तुमने यादव लगा रखा है, ये 2-2.5 साल से मेरे को फॉलो करते हैं, इन्होंने मुझे रिप्लाई भी दिया है, जब मैं नीमो पंडित था तब भी नीमो घोष था, तब भी नीमो पठान था, तब भी नीमो मंडल था, तब भी मैंने सब लगाया हुआ है, और बोलते तुमने यादव क्यों लगाया हुआ है? अब हीरो की पावर जानो दिलीप जी, दिलीप जी मैं कुछ भी हूँ, मैं कुछ भी हूँ, आप मुझे थोड़ा पढ़े लिखे लगते हैं निमो, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए इनके लिए, जाति वाला ढूंढना नहीं, ये सबको, ये सबको बता रहे थे कि मैंने, उनकी आदत है उनको, लेट हिम डू दैट। अभी आज जिस मुद्दे पर बात हो रही है उनसे सवाल जवाब करिए, और उस पर ये भी आज ही बोला इन्होंने, वो उसी से सोते हैं उसी से उठते हैं, मतलब उसका कुछ किया नहीं जा सकता, लाइलाज बीमारी है ये, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस मुद्दे पर हम हैं हम उस पर ही डिबेट करें। अब किसी को कोई बीमारी है तो उसका हम डॉक्टर थोड़ी हैं जो इलाज करेंगे। जी जी हम उसी पर हैं, हम उसी पर हैं, लेकिन ये अगर बोलें तभी तो, लेकिन ये बोल रहे हैं कि सारे सवाल हो जाएं तो तभी बोलते हैं, तो जाकिर अली त्यागी कुछ पूछना चाहते हैं, जाकिर जी बहुत जल्दी से इनसे पूछ लीजिए। खैर सवाल का जवाब तो वो किसी का नहीं दे रहे हैं जो मेरे का दे पाएंगे, लेकिन मैं तो एक चीज बोलना चाह रहा था कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम हो रहा था, एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें ये स्पीकर थे दिलीप सी साहब, और वहां पर जाकर ये जो अपने भाषण में कहते हैं कि मुस्लिमों को SC ST में शामिल किया जाना चाहिए और उनको आरक्षण मिलना चाहिए, जब सरकार इस चीज को लेकर जो है कुछ उसकी तरफ से कुछ खबरें आती है कि सरकार जो है मुस्लिमों को SC ST में शामिल करने की तैयारी कर रही है, तो इनकी तरफ से ट्वीट होता है कि ये SC ST के हक में सेंध मारी है, तो मतलब ये 1-2 महीने के अंदर ही अंदर ये पलट गए। फिर दूसरी चीज के सभी लोग यहाँ पर लगभग 15,000 के करीब लोग हैं, और लाखों करोड़ों लोगों ने मोनू मानेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जब उसके खिलाफ जो है सभी लोगों ने कार्रवाई की मांग की तो एक चैनल हमारे खिलाफ न्यूज बनाता है जिसमें वो हमें कठमुल्ला कहकर संबोधित करता है, और हमें वो जो है शराबी न जाने क्या क्या कहता है, तो फिर जब मुस्लिम लोग उसका विरोध करते हैं उस चैनल का, तो दिलीप साहब की तरफ से ट्वीट किया जाता है कि जिस चैनल का विरोध हो रहा है वो यूट्यूब की दुनिया का वो राजा है, वो डॉन है, मतलब उसको जो है ये डॉन बता देते हैं। ठीक, दूसरी चीज के 2022 में दिलीप मंडल से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, 2022 में जब यूपी की पुलिस ने मुझ पर गुंडा एक्ट लगाया तो दिलीप साहब से मेरी बात हो रही थी, तो दिलीप साहब ने मुझसे बोला कि मुझे दुख है कि तुम्हारे ऊपर ये कार्रवाई हुई है, लेकिन मैं तुम्हारे समर्थन में इसलिए नहीं बोल सकता हूं, तुम्हारे समर्थन में मैं इसलिए ट्वीट नहीं कर सकता हूं कि अगर मैंने कोई ट्वीट किया तो तुम्हारे पुलिस जो है दो डंडे जो है एक्स्ट्रा मारेगी, तुमको बुरी तरीके से पीटेगी अगर मेरी तरफ से कोई ट्वीट हो जाता है, तो मुझे लगता है तो फिर तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो भी
एट्रोसिटीज के खिलाफ जो भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं वो सभी के सभी बेवकूफ हैं, या मणिपुर जो जल रहा है या अभी नूह मेवात में जो हुआ वो सभी की वजह जो है ये लोग हो सकते हैं जो एट्रोसिटीज के खिलाफ जो है आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। तो इस पर दिलीप साहब को जो बोलना चाहिए। और एक निमो साहब ने सवाल किया था कि जाति पर, ये जाति सबसे ज्यादा बात करते हैं ना जाति पर, तो जाति पर भी आज बात जो है यहाँ पर सभी के सामने होनी चाहिए, क्योंकि सभी यहाँ पर लाखों लाखों फॉलोअर्स वाले लोग हैं, उनके सामने अपनी जाति बताइए कि आप किस जाति से हैं जब आप दूसरों को उसकी जाति के जाति के वर्ड से जो आप उसको जो है मेंशन करते हैं। बताइए यहाँ पर सभी के सामने कि आपकी जाति क्या है। और ये भी बताइए कि जब आप ये कहते हैं मुझसे कि अगर मैंने तुम्हारे समर्थन में ट्वीट भी कर दिया तो तुम पर पुलिस और ज्यादा केस लगा सकती है, तो क्या आप जो किसी पीड़ित के पक्ष में अगर आप ट्वीट करने की कोशिश करते हैं तो क्या आप उसको फंसवाने के लिए, उसको जेल में डलवाने के लिए ही उसके समर्थन में कोई आवाज उठाते हैं? अच्छा ये नहीं बोलेंगे अभी। अब मैं प्रभाकर जी के पास जाता हूँ। प्रभाकर जी आप भी बोलिए, शायद एक साथ बोलेंगे। सबको मेरा नमस्कार, मैं प्रभाकर मिश्रा और मंडल जी के द्वारा दिया हुआ एक मेरा नाम है, निक नेम प्रभाकर मिश्रा सुदामा, वो मुझे स्वीकार है। और मैं मंडल जी का बहुत सम्मान करता हूँ, पढ़े लिखे हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, प्रोफेसर हैं, और मैं जब भी कुछ सवाल इनसे पूछता हूँ हमेशा, कभी मैंने कोई फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया, और मुझे लगता है कि ज्ञानी है। और जब ये इनकी तकरीर चल रही थी तो मुझे बड़ी मतलब अच्छा लगा कि ठीक है पहले वाले स्पेस में, उनके वाले स्पेस में। मुझे लगता है, अभी बता रहा हूँ निमो भाई, रफेल भाई, मेरी हमदर्दी अभी दिलीप जी के साथ है। बस इतना जानता हूँ, हम लोगों को पढ़ाया गया था ना कि वो विद्या ददात विनियम विनयाद्यात पात्रता पात्रत्वा धनमापनोती। तो मंडल जी, मैं हम अपने गुरु को कभी भी हैं, गुरु तुल्य हमारे हैं, लेकिन गुरु ने उस गुरु की गरिमा को, जैसे कहते हैं ना कि इन्होंने डिग्रेड किया है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से बात बात पर ये उतावले हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, चल हट, अगले हफ्ते आना, भाग सुदामा, मतलब इस तरह के शब्दों का, और आज दिन में इन्होंने किया अभी भी। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं कि अभी भी मुझे निमो भाई और रफल भाई, मुझे मंडल साहब से हमदर्दी है, इनको आप लोग बोलने का मौका दीजिए। और मैं पूरी तरह से, मुझे बहुत विश्वास है कि हमारे आप लोगों के एक एक सवालों का जवाब ये देंगे। मंडल साहब मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मैं जानता हूँ, मेरा बड़ा सम्मान करते हैं। सुदामा तो वो सोशल मीडिया पर गाली देने के लिख दिए थे, तो इसके बाद मेरे बोलने के तत्काल बाद मंडल साहब हाय बोलेंगे, और हाय बोलने के बाद आप लोगों के सवालों का जवाब देंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मंडल साहब प्लीज मेरे बाद आप ही बोलिए, धन्यवाद। मंडल साहब प्लीज, 15,000-16,000 लोगों का समय खराब हो रहा है। मंडल जी पानी पी लीजिए, जवाब दे दीजिए। अच्छा ये नहीं बोलेंगे, इनको बोलना होता तो ये बोल देते। मैं अलीशांत के पास भी जाता हूँ, फिर डॉक्टर मेदुसा के पास में जाता हूँ, क्योंकि फिर सारे स्पीकर्स हो जाएंगे, तब तो शायद ये बोलें, इसलिए मैं कर रहा हूँ ऐसा। अलीशांत आप बोलिए भाई। जी मैं मंडल साहब से कोई, मेरा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मंडल साहब जवाब कभी भी नहीं देते, मैंने उनसे बहुत बार सवाल पूछे हैं। उन्होंने, मैं बस एक टाइमलाइन बताना चाहता हूँ, और कुछ मेरी जो टिप्पणियां हैं इन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, लेकिन एक वक्त तक ये अडानी के खिलाफ बॉयकॉट ट्रेंड्स चलाते थे ट्विटर पर, जिसमें लोग मिलियन मिलियन ट्वीट्स करते थे। फिर कुछ महीने पहले इन्होंने अडानी को डिफेंड करना शुरू कर दिया, वो वहां तक वो बात ठीक है। फिर उसके बाद कुछ महीने पहले जो जिस चीज का जिक्र जाकिर अली त्यागी कर रहे थे कि ये इन्होंने एक ट्रेंड चलाया जिसमें इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्पीच दी और तमाम बातें करी, एक आर्टिकल लिखा द प्रिंट में कि किस तरीके से एससी और एससी मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो ये सब बातें करते थे और उसको उन्होंने पूरी तरीके से रिवर्स कर दिया। मेरा सिर्फ, मेरी जो इस प्रेजेंट एपिसोड पर एक टिप्पणी है वो यही है कि ये कल बात कर रहे थे, एक आदमी ने कुछ कमेंट कर दिया था, इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा था, अब उस आर्टिकल से मैं खुद भी पर्सनली डिसएग्री करता हूं, उसने संविधान को बदलने की बात कही थी, तो उस इन्होंने हैशटैग उसमें यूज किया कि उसको अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए। अभी ये इस बात पर अटके हुए हैं कि
उस अनअकैडमी के टीचर ने क्या बात गलत बोली, जबकि कॉन्वर्सेशन ये है ही नहीं। बात इनसे सीधा सवाल जो बार बार पूछा गया है वो ये है कि आप फ्री स्पीच में भरोसा रखते हैं या नहीं रखते हैं। उस आदमी की बात से चलिए आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन क्लासरूम में वो बात बोली जा सकती है या नहीं बोली जा सकती है, बस बेसिक सी कॉन्वर्सेशन है जिस पर ये कभी भी जवाब नहीं देंगे। क्योंकि दिलीप मंडल जी मेरे हिसाब से हर वो बात जो ये खुद बोलते हैं उसको 2-3 महीने बाद उसकी उल्टी बात बोल सकते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ बोल सकते हैं। और इस चीज से भी यही पता चलता है, ये इस कॉन्वर्सेशन को लेकर जाएंगे एक कास्ट वर्सेस कास्ट की कॉन्वर्सेशन बनाना चाहेंगे, जबकि कॉन्वर्सेशन सीधी फ्री स्पीच की कॉन्वर्सेशन है कि क्या एक टीचर अपने यूट्यूब चैनल पर, अभी मैं देख रहा था कि उसने अपने पर्सनल यूट्यूब पर वो टिप्पणी करी थी, तो क्या वो ये बात बोल सकता है या बोलने की आजादी है इस देश में उस बात को या नहीं है, तो इस बात पर ये बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और किसी इंसान ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिख दिया तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। तो गिरफ्तारी के इनके हिसाब से ये, क्योंकि संविधान के ज्ञाता है, इनको ज्ञानी है संविधान के, तो किसी इंसान को बोलने पर कब गिरफ्तार किया जाना चाहिए उसको, जो लोग ज्यादा नहीं भी समझते होंगे उनको पता है कि हेट स्पीच या वायलेंट स्पीच के क्या पैमाने हैं। अगर मंडल साहब बता पाए कि किस वजह से ये उस इंडियन एक्सप्रेस में लिखने वाले ऑथर को, शायद उनका नाम विवेक देबरॉय था, उनकी गिरफ्तारी क्यों चाहते थे, और इनको ये जो अभी निकाले गए हैं सांगवान साहब, इनके निकाले जाने को किस वजह से जस्टिफाई कर रहे हैं? सिर्फ उसके बोल देने की वजह से उसको निकाल देना चाहिए, उसको हाथियों से कुचलवा देना चाहिए या सूली पर चढ़ा देना चाहिए क्योंकि उसने एक बात बोल दी जिससे बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं? जी बस मेरी यही टिप्पणी थी। एक इसमें मैं ऐड करूंगा लिशान कि ये इन्होंने आप बोले कि जाति पे ले जाते हैं, आज ये पाकिस्तान पे ले गए थे और मैंने इससे पहले पाकिस्तान पे ले जाता हुआ व्यक्ति केवल एक ही देखा है, लेकिन आज ये बात अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए एक उनको पाकिस्तान को नाम इंक्लूड करके भी करनी पड़ी, जिसमें इनका मुशर्रफ का इन्होंने जिक्र किया। एक बात मैं बस जोड़ना चाहूंगा, इनका एक पैटर्न है कि ये 2 दिन तक मुसलमानों को घेरते हैं, फिर उसके 2 दिन बाद ब्राह्मणों का नंबर लगाते हैं और फिर 3 दिन तक हफ्ते में संविधान की बात करते हैं, और ये पैटर्न आपको कल भी दिखेगा जब ये ज्यादा स्कैनर के अंदर आ जाते हैं, तो उसके 2 दिन तक ये जो है बिल्कुल संविधान पर बात करने लगते हैं और बिल्कुल इनकी भाषा बदल जाती है, और फिर वो 2 दिन बाद वो वापस अपनी जो इनकी फितरत है उस पर उतर आते हैं। तो मैं खैर इन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये पाकिस्तान अब जैसे ये कुछ कोई एक सर्टन केस ऑफ अट्रोसिटी में ये बोलते हैं कि वीडियो डालना चाहिए, ये सीएम को टैग करते हैं, ये तमाम बातें करते हैं, दूसरे केस में बोलते हैं कि अगर वीडियो डाली जा रही है तो जिसने वीडियो डाली है उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये अगर मणिपुर वीडियो की आप बात कर रहे हैं, मैंने सबसे पहले कहा था कि लोगों को डराया भी कि आप वीडियो मत डालिए, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपके खिलाफ ये हो जाएगा, वहां पर दो औरतों को नंगा करके उनके साथ इतनी अभद्र चीजें की गई, जी तो और ये बोलते हैं मत कीजिए ऐसा, उनको मत दिखाइए, सरकार को पर्दाफाश मत कीजिए। कभी ये बुलडोजर की तारीफ करने लगते हैं, कभी ये बुलडोजर को स्टेट एम्ब्लेमेटिक बता देते हैं कि भैया स्टेट सिंबल्स ऑपरेशन का पूरी तरीके से बुलडोजर एक वो है, तो ये पूरी तरीके से, और जबकि दोनों जगहों पर आदिवासियों का, मध्य प्रदेश में भी जो केस हुआ था उसमें भी पीड़ित आदिवासी था और मणिपुर में भी जो केस हुआ था उसमें भी पीड़ित आदिवासी थे, तो इनके किस तरीके से इनके स्टैंडर्ड्स बदलते हैं वो पता नहीं चल पाता है। और ये कभी भी किसी भी कॉन्वर्सेशन को अभी अचानक से ये बोलना, अगर कास्ट पर कॉन्वर्सेशन हो रही है या अचानक से उसमें मुगलों को ले आएंगे, पाकिस्तान को ले आएंगे, तो और मुझसे पहले जो स्पीकर बात कर रहे थे वो कह रहे थे दिलीप मंडल की वो बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मैं पिछले कुछ महीनों से जो मैंने दिलीप मंडल को जिस तरीके से ऑब्जर्व किया, मैं इनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता हूं। और ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर विचारों के मामले में मेरे हिसाब से सुरेश चौहान के दिलीप मंडल से ज्यादा ईमानदार हैं, तो अगर वैचारिक रूप से इज्जत करना होगी तो दिलीप मंडल से ज्यादा सुरेश चौहान की इज्जत की जाना चाहिए। मैं ऐसे व्यक्ति की जो एक तरीके से गिरगिट को भी पानी पिला दे अपना रंग बदलने में, मैं कभी भी उस व्यक्ति की इज्जत नहीं कर सकता और ना ही चाहूंगा कि कोई इस तरीके के विचार रखने वाले व्यक्ति की इज्जत करे। आलिशान देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मैं उनके विचारों की इज्जत करता हूँ, वो उम्र में बड़े हैं और उस उम्र का तकाजा है, परिवार वालों ने, माँ बाप ने मेरा सिखाया है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वो भले जाहिल हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब दिलीप जी जाहिल है, मतलब एक बात यह है कि भाई उम्र में बड़े हैं, मेरे पिताजी की उम्र के हैं, कुछ तो किया ही है, यहाँ तक आए हैं तो जीवन में कुछ तो किया होगा। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, क्या वो उस माँ करण सांगवान की माँ की आंख में देखकर ये बोल सकते हैं कि जो हुआ अनअकैडमी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, आपके बेटे को ऐसे ही धक्के मार कर निकाल देना चाहिए था सिर्फ ये बोलने के लिए कि पढ़े लिखे नेताओं को ही अगली बार वोट देना। देखिए उत्कर्ष जी,
आप उत्कर्ष ही बात कर रहे हैं ना, तो आप गलत चैलेंज दे रहे हैं, वो देखकर बोल देंगे ये बात आंख में, तो ऐसे चैलेंजेस आप मत दीजिए क्योंकि दिलीप मंडल जी ये कर सकते हैं ये चीज। अच्छा मैं अलीशान एक मिनट, मुझे बस अब इस चीज का डर है क्योंकि दिलीप मंडल जी बहुत शातिर दिमाग के आदमी है, ये बातों को ट्विस्ट करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कल ये पक्का कुछ ऐसा बोलेंगे कि मेरे मुझे स्पेस में ऐसा किया गया वैसा किया गया, वहाँ पे मिश्रा थे, सिंह थे, और कौन है, शर्मा थे जिनको शर्मा समझते हैं, और कौन है, अच्छा जाकिर अली तागी, तो उनके एजेंडे में नहीं आएंगे, नवीन जयहिंद, अगर पता नहीं नवीन जयहिंद जी क्या हैं, बट फिर भी इनका भी नाम ले लेंगे अगर ये कुछ है। अब मैं तो दिलीप जी प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, यहाँ पे कुछ भी ऐसी बात नहीं है, आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया और आप चुपचाप सुन रहे हैं और बोल भी नहीं रहे। तो अभी मैं डॉक्टर मेदुसा के पास जाऊंगा क्योंकि वो भी बहुत देर से यहाँ पर हैं, उनका सवाल फिर सारे सवाल हो जाएंगे, शायद नवीन जयहिंद का रह जाएगा, उसके बाद आप सारे फिर आंसर कर देना। जी मेदुसा मैम, आप प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निमो एंड राफेल भाई साहब की आप लोग आपने मुझे ये मौका दिया। मैं जो नवीन जो दिलीप जी ने शुरुआत में जो शुरू किया था 2-3 मिनट शायद वो बोले थे, उसमें उन्होंने कुछ कहा था, उन्होंने उसी बात पे मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगी। वो कह रहे थे कि अगर बच्चा लिखेगा जवाब सवाल का जवाब लिखेगा कि पढ़े लिखे को वोट देना चाहिए तो वो फेल हो जाएगा। मैं भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, मैं भी एक प्रोफेसर हूँ, तो इस हिसाब से मुझे पता है कि हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर्स में क्रिटिकली इवैल्यूएट बोल के एक तरीके का क्वेश्चन बनाते हैं, खासकर ह्यूमैनिटीज के क्वेश्चंस में हम लोग बनाते हैं क्रिटिकली इवैल्यूएट, और उस क्रिटिकली इवैल्यूएट जब वो बच्चा करता है, जब वो स्टूडेंट करता है, तो हम ये देखते हैं कि वो किस तरीके से अपनी बात को रख पा रहा है, किस तरीके से अपने बात को एविडेंस के साथ दे पा रहा है, भले ही वो एविडेंस, भले ही वो किसी दूसरे, जैसे डिबेट में होता है ना कि आप फॉर होते हैं एंड अगेंस्ट होते हैं, कभी कभी लगता है कि बिल्कुल साफ है फॉर ही होना, जो फॉर है वही सही होगा, लेकिन कभी कभी जब आप इवैल्यूएशन सुनते हैं, जब आप तर्कों को सुनते हैं, तो आपको लगने लग जाता है कि शायद दूसरी बात में भी दम है, इन लॉजिक्स में भी थोड़ी बहुत गुंजाइश है। तो हम बच्चे को ये, हम एज अ टीचर हम ये इवैल्यूएट करते हैं कि स्टूडेंट में क्रिटिकली किसी चीज को देखने की एबिलिटी है कि नहीं। अगर हम इस तरीके की एबिलिटी को क्लासरूम से निकाल देंगे तो बच्चे में ना सोशल अवेयरनेस आ पाएगा ना पॉलिटिकल अवेयरनेस आ पाएगा। और मैंने कल भी कही थी ये बात कि बिना सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस के हम सिर्फ एक भेड़ों की भीड़ तैयार कर रहे हैं जिसको हम जब चाहे मोड़ देंगे, किसी तरफ मोड़ देंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोड़ देंगे, एक पर्टिकुलर राइट विंग की तरफ मोड़ देंगे या लेफ्ट विंग की तरफ मोड़ देंगे, और उसको वेपनाइज करने में भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो बच्चा सोचना नहीं जानता है, किसी चीज को क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं करना जानता है। अगर उसको बोला जा रहा है कि मस्जिद के सामने जाके तुम डीजे बजा के नाचो और वो तो नाचने के लिए वो तैयार होगा, अगर उसको बोला जा रहा है कि दलित का वो निकला जा रहा है कि बारात निकल रही है उसको घोड़े से उतारो उसको मारो, तो इस वो उसके लिए भी तैयार हो जाएगा, जो हम देख रहे हैं आज के डेट में। तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होता है, और एज अ प्रोफेसर मुझे लगा था कि शायद दिलीप जी को ये बात पता होगी, वो अब प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन जैसा कि अब आलिशान भाई ने भी कहा कि उनको समय नहीं लगता है अपना स्टैंड बदलने में, उनको समय नहीं लगता है अपनी जो भी है सोच को, बदली हुई सोच को दुनिया के सामने दिखाने में और अलग अलग तरीके के लॉजिक से उसको सपोर्ट करने में, तो शायद मेरा ये सवाल ही उनके लिए गलत होगा कि आपने ऐसा क्यों सोचा कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये बच्चा क्लास, ये जिनको ये पढ़ा रहे थे वो 12th तक के बच्चे तो नहीं थे, हायर एजुकेशन के लिए आए हुए बच्चे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कल को जाके उच्च पदों पे पदस्थ होंगे, जुडिशरी का एग्जाम देंगे, जजेस बनेंगे। इफ एडवोकेट्स एंड जजेस आर नॉट एबल टू क्रिटिकली इवैल्यूएट द केस दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग, देन वेयर आर वी पुशिंग आवर जुडिशरी। हम इन किस तरीके के जजेस को तैयार कर रहे हैं, किस तरीके के जुडिशरी को तैयार कर रहे हैं, वो जुडिशरी जो सिर्फ स्टेट जो कहेगा वो मान के चल लेगी बस, तो दिस इज अ डेंजर। एंड एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, एज अ पर्सन हु वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द प्रिंट, एज अ पर्सन हु हैज मोर देन 500,000 फॉलोअर्स, 50 लाख लोग हैं आपके साथ सर, 50 लाख लोग, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बनती है, और भी बढ़ती है। हम लोगों जैसे नहीं, हमारी तो कोई मतलब हम लोग की इतनी आपकी कंपैरिजन में ना उतनी एजुकेशन है ना उतनी फॉलोइंग है, आपकी बात लोग सुनते हैं, मैं भी सुना करती थी एक समय में, और इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है कि आप जब इस तरीके के स्टेटमेंट दें तो उनको लॉजिक के साथ दें, उनको तर्क के साथ दें। दूसरी बात ये मैं करना चाहूंगी कि जो कुतर्क आपने जिसका इस्तेमाल किया ना पूरे मुद्दे को भटकाने का, वो बिल्कुल कंप्लीटली आज के सरकार के लाइन पे है और आज के सरकार के नक्शे कदम पे चलने वाली बात है।
ठीक है, क्योंकि बात अभी ये हो ही नहीं रही है कि जो करण सांगवान ने कहा वो सही था या गलत था। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इस स्पेस में जितने भी लोग हैं ये सभी मानते हैं कि पढ़ाई लिखाई या डिग्री इज नॉट द ओनली थिंग दैट नीड्स टू बी सीन व्हेन यू आर चूजिंग अ लीडर। कोई लीडर अपने लोगों के बात को रिप्रेजेंट कर पा रहा है कि नहीं, उनकी परेशानियों को उभार पा रहा है कि नहीं, उनकी परेशानियों को लोगों के सामने रख पा रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, ये बात सब लोग मानते हैं यहाँ पर। लेकिन ये पॉइंट था ही नहीं, पॉइंट था कि उनको किस, करण सांगवान को किस अनडेमोक्रेटिक तरीके से निकाला गया। और इस बात पर आप बात नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट क्वेश्चनिंग द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज अनडेमोक्रेटिक, व्हिच रिमूव्ड अ प्रोफेसर, व्हिच रिमूव्ड अ टीचर फॉर जस्ट वॉइसिंग देयर ओपिनियन। और तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं अंग्रेजी की छात्रा हूं, अंग्रेजी पढ़ाती भी हूं, तो मुझे लगता है कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया दैट वाज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, एन ऑब्लिगेटरी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में ऑब्लिगेशन होता है जब आप शुड का इस्तेमाल करते हैं, चाहिए का इस्तेमाल करते हैं। चाहिए का इस्तेमाल करने में वो ये नहीं कह रहे हैं बच्चों को कि आप यही करना, वो कह रहे हैं कि किस तरीके की सोच आपकी होनी चाहिए, आप इस बारे में भी सोचिए। और इस अगर अगर टीचर इस तरीके का स्टेटमेंट देने के लिए भी अपनी क्लासरूम में तैयार नहीं होगा, रेडी नहीं होगा, तो हम स्टूडेंट्स को हमारे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम एक भीड़ तैयार कर रहे हैं भेड़ों की, जिसके दिमाग में हम जब चाहे जो भर दें और जिसके हाथ में हम जब चाहे तब तलवार थमा दें, असॉल्ट राइफल थमा दें, कुछ भी थमा दें। तो ये बहुत डेंजरस है। एंड एज अ प्रोफेसर मुझे लगता है अगर आप इस तरीके के एक सिचुएशन की पैरवी करेंगे तो ये बहुत ही डेंजरस होगा हमारे एजुकेशनल सिस्टम के लिए, हमारे आगे दूसरे टीचर्स के लिए जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको आपकी सीख सुनते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, उनके लिए बहुत डेंजरस होगा। सो ये मेरी एक सवाल पूछा मैंने और बाकी दो टिप्पणियां दी। अब मुझे लगता है शायद नवीन जैन जी बचे हैं, आप प्लीज कृपया अपनी बात रखें। नवीन जी बस एक मिनट में लूंगा, बस 30 सेकंड ले रहा हूँ मैं। एक व्यक्ति है जो दिलीप मंडल जी के ग्रुप में है, क्योंकि ये ग्रुप चलाते हैं पूरा, जहाँ पे कई लोगों को रखते हैं, वो ये बोल रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, इस स्पेस का स्क्रीनशॉट लिया है उन्होंने, स्क्रीनशॉट लेके वो जो भी ऐप आती है उस पर एडिट किया है, उस पर हमको सर्कल किया है, और बोलते हैं कि दिलीप मंडल को मॉब लिंच किया जा रहा है, वो ऐसा बोल रहे हैं। जैकी यादव उनका नाम है, जैकी भाई तू आ जा, तू बोल ले, क्योंकि चाचा तो बोल नहीं रहे तेरे। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो मॉब लिंच शब्द का बार बार इस्तेमाल हो रहा है ना, ये मॉब लिंचिंग जैसी एक वाहियात और एक दर्दनाक घटना का ट्रिवियलाइजेशन हो रहा है। आप समझ नहीं रहे कि आप एक इंसान को गाय खाने के जुर्म में या गाय ले जाने के जुर्म में आप उसको मार देते हैं उसके परिवार के सामने, लोगों के सामने, एंड यू आर कंपेयरिंग दैट टू बीइंग क्वेश्चन्ड ऑन अ पब्लिक स्पेस। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। कल को मोदी जी से कई इंटरव्यू देने को तैयार हो जाएं, उत्कर्ष भाई एक मिनट, कल को मोदी जी अगर इंटरव्यू देने को तैयार हो जाएं, तुम यहाँ पे समाजवाद का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हो, और वो तैयार हो जाएं, उसके बाद कोई इंटरव्यूअर उनसे क्वेश्चन पूछे, तुम तो बोल दोगे भैया ये तो मॉब लिंच कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दिलीप मंडल ने झूठ बोला, हमने पूछा क्यों बोला, मेरे खिलाफ झूठ बोला, मैंने पूछा क्यों बोला, मुझे मॉब लिंचर बोला, मैंने पूछा क्यों बोला, तो मैं क्या अपने लिए पूछूं भी ना। और तुझे इतना हो रहा है तो जैकी मेरे भाई तू आ जा, तू बोल, तेरे भी तो जबान है, तू भी तो किसी वेबसाइट पे जाके यूट्यूब पे जाके बोलता है ना, तो बोल भाई तू बोल, लेकिन कोई तो बोलो। अब मैं बोलता हूँ नवीन जयंत, आप बोलिए सर। भाई पहली बात तो ये है, देखो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं इस बंडल साहब की इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई पढ़ा लिखा होना की जरूरत नहीं है किसी नेता को। अच्छा हमारे हरियाणा में कहावत है कि कटा लिखा होना जरूरी, कटा लिखा का मतलब है संवेदनशील सामाजिक व्यवहारिक आदमी और अनुभवी आदमी को बोलते हैं कटा लिखा। लेकिन ये एक आदमी का कहता है कि दो गला तेगला भी नहीं है, ये पता नहीं 5 गला 6 गला पता नहीं क्या क्या है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ भाई, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं सही बताऊं सीधी बात, भाई जब हरियाणा में यहाँ दलितों के गरीबों के घर गिराए गए थे, ये इससे एक ट्वीट तक नहीं हुआ था, मैं तो फरसा लेके खड़ा हुआ था वहां पर, आज उनके घर वहीं पे खड़े हैं, और हाई कोर्ट का ऑर्डर था। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, मेरे पे तो केस हो गया। तो ये जो दोगला आदमी है, ये जो बिंडल मार है, मैं सिर्फ इसको इतना ही कहता हूँ, अरे कम से कम आके आप बोल ना भाई, तेरे को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो पैसा कमाना है कमा ले, तू खा ले पी ले जो तेरे को करना है, लेकिन आदमी को बोलते हैं कि दोगला, तू तो दोगला भी नहीं यार, हर तीसरे महीने चौथे महीने वो कर देता है, बदल लेता है अपनी भाषा को।
मैं इस बात भाई एक बात बताओ, करण सांगवान कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है वो कह रहा है कि करण सांगवान को ऐसे नहीं बोलना। अरे करण सांगवान अपनी संविधान में ये भी तो लिखा हुआ है ना कि कोई भी आदमी अपनी बात तो बोल सकता है, बात बोलने में भी क्या समस्या है? अरे तू बात बोलने में उसने सही बोला गलत बोला हो तो बात की बात है, लेकिन करण सांगवान को जिस तरह से निकाला गया है, उसने पढ़ा लिखा, मैं ये मान बिल्कुल एग्री नहीं करता मैं इस बात से कि पढ़ा लिखा ही कोई आदमी होगा वो अच्छा नेता होता है, मैं बिल्कुल इसकी बात से सहमत हूं मैं, लेकिन इस बात से भी तो सहमत होना चाहिए ना कि उसने अपनी आवाज उठाने के लिए अपनी बात रखने के लिए वो भी तो संविधान में रखा हुआ है उसको हटा दिया गया बेचारे को, उसकी मां रो रही है, तो इस बात पे तो कम से कम श्रम कर, बेश्रम बंडलमार बंडलबाज कम से कम इस बात पे तो देखे कि एक तरफ संविधान की जब बात कह रहा है तो ठीक है कि भाई संविधान में दिया बिल्कुल मैं तेरी बात से एग्री हूं, लेकिन इस बात से भी तो एग्री होना पड़ेगा कि उसको अपनी आवाज उठाने के लिए अपनी बात बोलने के लिए उसको इस बात के लिए हटा दिया गया, उसकी माँ जब रो रही है तेरी आंखों में थोड़ा बहुत भी नहीं आ रहा है बेशरम आदमी बंडलमार बंडलबाज, इतना तो देख ले संविधान की बात करेगा, उसने तो किसी का नाम नहीं लिया भाई, किसी का अगर उसने नाम लिया हो तो एक अलग बात है, हम तो किसी की बातें नहीं कर रहे, मैं जब हम कोई भी आदमी है तो इतना कैसे मतलब वो हो रहा है, तो इतना कैसे स्टैंड बदल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रही, और एक जाति को टारगेट हो गया भाई समेट लिया, क्योंकि मुझे बोलना है और मैं सिर्फ 13-14 मिनट बोलूंगा तो वाइंड अप कर लो। हाँ ठीक है मंडल मार साहब बिल्कुल कोई प्रॉब्लम। अच्छा एक आखिरी सवाल मैं जोड़ना चाहता हूँ निमो इफ यू अलाउ, कि जिस तरीके से ये नौकरी से निकाले जाने के पक्षधर दिलीप जी हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, इंडिया टुडे ग्रुप जैसे संस्थान में संपादक रहे हैं, क्या अपने टेन्योर के दौरान भी पूरे न्यूज रूम में क्या एक आइडियोलॉजिकल बात होती थी, क्या एक लाइन पर बात होती थी, और क्या अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय थोड़ा सा भी हो गया, बात हो गया। क्या उसे नौकरी से निकाल मेरा एक लाइन का सवाल है सर, आपने कितने लोगों को नौकरी से निकाला इंडिया ग्रुप में? राइट ठीक है फाइन। सो मेरे ख्याल से सबकी भड़ास निकल गई है, सबने अपनी अपनी बात बोल ली है। नवीन जय हिंद, थैंक यू, दोगला वगैरह बोल लिया आपने, बहुत बढ़िया बात है, मतलब इज्जत की बात है। एनीवेज सो देखिए ये मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था, राइट। बात क्या है, करण सांगवान ने अन अकेडमी में कुछ पढ़ाया, उसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई और अन अकेडमी ने उनको निकाल दिया, राइट। ये है सिक्वेंस ऑफ इवेंट। तो अगर ये सिक्वेंस ऑफ इवेंट है तो इसमें तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी भाई, वो क्या पढ़ाया, राइट, उसके बाद क्या क्या हुआ, और अन अकेडमी जो उनको निकाला वो सही था कि गलत था। मेरे ख्याल से इस पूरे मामले में जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट हैं ये तीन हैं। इसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं जैसे, लेकिन अब मुझे पता नहीं कितने मिनट में कैसे ये सब जवाब दिया जाए, क्योंकि मेदुसा का सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसको अगर आप इतना सभी अकेडमिक फ्रीडम नहीं देंगे तो फिर हम किस तरह के स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं। अलीशान और जाकिर अली का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एससी के रिजर्वेशन में मुसलमानों और दलितों को इंक्लूड करने का, नहीं वो मेरा क्वेश्चन नहीं है सर। नहीं अब ये मैं नहीं सर, वो मेरा क्वेश्चन नहीं है। ये करोगे तो अब मुझे पूरा अधिकार होगा कि चला जाऊं, और उसके तुम लोग अगर कहोगे कि मतलब नहीं सर, बात ये है कि आप एक सेकंड आप सुन लीजिए, वो मेरा क्वेश्चन है नहीं, आप मुझे मिसकोट कर रहे हैं। अब रुक जा प्लीज, देखो ये मेरा क्वेश्चन है दिलीप साहब, वो मेरा क्वेश्चन है, मेरा है वो। हां मुझे क्या कर संबोधित करें आप? 40 मिनट देता हूं, आप लोग अपनी बात पहले रख लो फिर मैं बात रखूंगा। थैंक यू दिलीप जी, आप बोलिए, आप शांत क्यों हो गए दिलीप जी, बोलिए आप। अनलिमिटेड टाइम था अपनी सारी बात बोलिए जी, बोलिए आप क्यों व्याख्या कर रहे हो, स्टॉप तो आप बोलिए, अपनी बात बोलने दो, चुप रहो ना, बोलो तो सर आप बोलो, मैं क्या कर रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, तुम दो एक मिनट नहीं रुक पाते हो यार, इतना अधैर्य क्यों है, मैं बोल तो रहा हूँ, मुझे बोलने तो दो, नहीं तो बोलने तो क्या तमाशा मचा रखा है यार, अजीब आदमी, सुनो मेरी बात अब ना, तूने बोला मैंने एक शब्द बोला,
पूरा 40-45 मिनट उनको जो जो बोलना था इधर उधर वगैरह वगैरह जो सब कुछ बोला। अब मेरी बात 13 मिनट नहीं सुनोगे तो मैं क्या बोलूँ, मतलब क्या बोलूँ गुरुदेव, बोलो क्यों 2 मिनट बिगाड़ रहे हो अपनी, चुप रहो ना, 1 मिनट चुप नहीं रह सकते हो, मतलब क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है। अरे बंडल साहब बोलिए, चुप रहो, फुटेज खा रहा है भाई, कुछ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, क्यों चुप रहे हो, क्या क्यों रहे हो, क्या चुप हो जाएगा, रो रहे हो भाई, तुम किस चीज का आनंद ले रहे हो, बोलिए आप, बोलिए जरूर, आपकी आवाज ऐसी आ रही है, रो रहे हो आप, बोलो तो सही, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, ऐसे थोड़ा ना हम तो चुप हैं, बोलो तो हम चुप हो गए, लो अब मैं हो गए चुप, इस आदमी को घुमाना आता है, इस आदमी को प्रोवोक करना आता है और कुछ नहीं आता, इस आदमी को घुमाना आता है, प्रोवोक करना, भाई सब सांस लेना भी बंद कर दो, बंडल साहब को बोलने दो, बोलो ना, लेकिन अब आगे बढ़ो, 10 मिनट है मेरे पास, मैं दूंगा, हाँ तो बोलोगे, चुप रहो, बोलो तो, अब आपके पास मिनट ही मिनट है, बोलो 10 मिनट, राइट। तो मैंने तीन इसमें इस पूरे एस्पेक्ट पर तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो तीनों रखे कि भाई उसने क्या बोला, जो बोला वो सही था या गलत था, और तीसरा अनअकैडमी ने उसको क्यों निकाला, राइट। ये तीन क्वेश्चन हैं, नंबर वन। इसके अलावा बहुत सारे और क्वेश्चन पूछे गए, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम फिर तभी बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैं पहले एड्रेस कर चुका हूँ। सांगवान ने क्या पढ़ाया, सांगवान ने अपने क्लास में जो बाइट सामने आई, मतलब और बहुत कुछ पढ़ाया होगा, लेकिन उसका जो पब्लिक में आया वो ये था कि जब, अगर मैं सही हूँ गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करना, अगली बार जब वोट देना तो पढ़े लिखे लोगों को वोट देना, राइट, ये बोला। अभी इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम दिख रही है, एक लॉ का टीचर लॉ की क्लास में बगैर वोटिंग पैटर्न बिहेवियर उसके इवॉल्व होने के तरीके उसकी सिटी को कोई फिर बोल रहा है उसको, ये करो म्यूट रखो, तो ये कोई नहीं बोल रहा यार, रुको ना, तुम बातें वो कर रहे हो, खामा खामे बरगला रहे हो लोगों को, आप एक ही कहानी रटे जा रहे हो 3 घंटे से, आप कह रहे हो ये बोल रहा है वो बोल रहा है, आप पूरा टाइम उनको दे रहे हो, बात सुनो, बात कर रहे हो यार, अच्छा बात सुनो, रुक जाओ, नीमो ये पागल करेगा भाई, मैं बता रहा हूँ, ये आदमी घन चक्कर है, इसको सिर्फ घुमाना आता है और कुछ नहीं। तो करण सांगवान ने जो बोला वो क्यों प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उसने उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं रखा कि दुनिया में डेमोक्रेसी में वोटिंग के सिस्टम्स किस तरह से बने, क्योंकि वो लॉ पढ़ा रहा है वो, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नहीं पढ़ा रहा है और ये नहीं बता रहा है कि अंग्रेजों ने रोका था कि पढ़े लिखे होंगे वही वोट देंगे और वही चुने जाएंगे, तो वो अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर रहा है, नंबर वन। अगर वो प्लूटो को नहीं पढ़ा रहा है, प्लूटोक्रेसी नहीं पढ़ा रहा है, ये सिस्टम दुनिया में रिजेक्ट हो चुका है कि पढ़े लिखे लोग अच्छा शासन करते हैं, फिलोसोफर किंग जो है वो अच्छा किंग होता है, ये सिस्टम पूरी दुनिया में रिजेक्ट हो चुका है, अगर इसको नहीं पढ़ा रहा है और सिर्फ बोल रहा है पढ़े लिखे लोगों को चुनना चाहिए, तो वो अपने पेशे के साथ न्याय नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं बता रहा है कि किस तरह से कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू कमेटी ने कहा था कि हम जब आएंगे देश जब आज़ाद होगा तो हर किसी को वोट देने का अधिकार होगा और हर किसी को चुने जाने का अधिकार होगा, ये प्रॉमिस है कांग्रेस की जो समय की मतलब नेशनल मूवमेंट को लीड कर रही थी, उनकी प्रॉमिस थी देश की जनता से ये काम करोगे, वो कांग्रेस नहीं थी उसमें, आप आज सारी पार्टियों को शामिल कर लीजिए, क्योंकि वो एक मतलब एक ऑल इनकम्पासिंग वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सब लोग थे, मतलब सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, बाकी कांग्रेसी, इवन हिंदू महासभा के लोग भी उसके अंदर ही काम कर रहे थे, राइट। तो ये प्रॉमिस था कि आपको हम चुनने जाने की और चुनने की आज़ादी देंगे और हर किसी को देंगे, ठीक है, इसकी वजह से फिर लोग आए, आज़ादी लोगों को लगा कि ठीक है बढ़िया है आज़ादी मिलने वाली है, तो हम आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ते हैं, तो आज़ादी की लड़ाई की प्रॉमिस थी, राइट। तो ये प्रॉमिस अगर आपने नहीं पढ़ाया लोगों को तो आपने अपने पेशे के साथ अन्याय किया। आपने अगर नहीं पढ़ाया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में इस पर क्या बात हुई, CED को अगर आपने नहीं पढ़ाया पेज बाई पेज डेट बाई डेट कि इस सवाल को किसने उठाया, KT शाह ने किस तरह से इस सवाल को उठाया,
इसका बाकी लोगों ने क्या जवाब दिया? डॉक्टर अम्बेडकर जो थे उस समय वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, उनका क्या रिप्लाई है? अगर आपने नहीं पढ़ाया और ये बोल दिया कि पढ़े लोगों को अगली बार वोट देना, तो आपने अपने पेशे के साथ अन्याय किया है। अगर आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट नहीं पढ़ाया है, आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन में 102.119 नहीं पढ़ाया है और आप बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों को वोट देना, तो आपने अपने पेशे के साथ अन्याय किया है। आपने जो पैसा लिया बच्चों के साथ, वो पैसा आपने गलत लिया है। और आप एक जो जिस कॉन्टेक्स्ट में आप रख रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट अगर सारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं है दूसरा, तो ये पूरा मामला जो है ये एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब आप एक बच्चों को बताएंगे तो ये ज़्यादा टॉक्सिक माहौल तैयार करेगा। क्योंकि इस देश में कोशिश हो रही है कि पंचायतों में किस तरह से 10वीं पास के से ज़्यादा जाएंगे, उसके बाद हो सकता है कल कोई असेंबली तक आए जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की भावना के खिलाफ है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये एक रखने होने में भी कोई दिक्कत नहीं है। 368 में आर्टिकल 368 में ये अनलिमिटेड पावर है पार्लियामेंट को चेंज करे, जिसको कि बेसिक स्ट्रक्चर के जरिए रोकने की कोशिश हुई है, इसलिए मैं बेसिक स्ट्रक्चर को क्रिटिक भी कर रहा हूँ। राइट, जो केशवानंद भारती केस है 1973 का, इसमें प्रॉब्लम है। तो ये या इसके बाद जिस तरह से पूरा केस दुनिया में इवॉल्व हुआ, जिस तरह से पाकिस्तान में कोशिश की गई कि सिर्फ ग्रेजुएट चुने जाएंगे, ये सारा कुछ अगर आपने नहीं पढ़ाया और बोल दिया पढ़े लिखे लोगों को चुनना चाहिए, सर उसके स्टूडेंट का मैसेज आया वो बोला सब पढ़ा है, आपको वार्न कर रहा हूँ, अगर आप मुझे इस तरह से बात कर मैंने रोक बात है, मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना चाहिए आपके साथ। मैंने कहा था 10 मिनट चुपचाप रहो, तो सोचो कुछ नहीं हो रहा दुनिया में। एक आदमी को हमने बोलने से बीच में रोका था, फिर हमने 40-45 मिनट उसको जो भी बोलना था बोला, अब ये 10 मिनट बोलना चाहता है, मांग रहा है 10 मिनट, दे दो ना। खैर, तो एक घंटा बोलो बंडल साहब, हम तैयार हैं। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं इतना समय है। एनीवे सुनो पूरी बात। तो ये जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई मेरे ख्याल से अधूरी पढ़ाई है, और जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था ये गलत है। क्योंकि भारत में आप देखो, कामराज नाडार 6वीं क्लास पास आदमी तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बनता है, एजुकेशन के मामले में वो तमिलनाडु को देश का सबसे नंबर वन स्टेट बनाता है, पहली बार मिड डे मील शुरू करता है। तो इसलिए पढ़ा लिखा होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, होना चाहिए, मौका नहीं मिला ना, गरीब परिवार का नहीं पढ़ पाया, गाँव में होगा किसी रिमोट इलाके में नहीं पढ़ पाया, देश नहीं चला सकता क्या, करना क्या है? कुछ पढ़े लिखे लोगों को आप सलाहकार ले लो जो टेक्निकल इशू है उसके लिए, आपकी नियत साफ है ना कि आप करना चाहते हो बच्चों को, आप बच्चों को आप खाना देना चाहते हो, डिबेट नहीं है तो उसके बाद आप इसके लिए फ्रांस, अरे इस पर तो डिबेट ही नहीं है, क्यों हम लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, यहाँ पर मौजूद कोई एक आदमी बोल दे कि आपकी बात इस बात से सहमत नहीं है, बोलूंगा ना मैं, क्या चाह रहे हो तुम? फिर मैं कह रहा हूँ तुम मेरा इंटरोगेशन कर रहे हो क्या? अन्याय तो तुम लोग क्या कर लोगे मेरे साथ, लेकिन ठीक है, मैं नहीं कर रहे हो, 10 मिनट बाद उतनी बड़ी औकात तो नहीं होगी कि मेरे साथ अन्याय कर लोगे, लेकिन व्हाटएवर, ठीक है, 10 मिनट आपकी बात, मेरी बात सुन लो, आप औकात पे क्यों जा रहे हैं किसी की, औकात जा रहा हूं यार, तुम लोग कैसे बैठे क्या मेरे साथ अन्याय कर लोगे, बोलो मैं अन्याय, आप मेरे सर, आप विद्वान कर लो किसी की औकात पे क्यों जा रहे हैं, सोचने सर, औकात शर्मानी चाहिए, औकात पता है कैसा वर्ड होता है, औकात पता है ना, क्या कर लोगे, अन्याय कर लोगे सर, क्या मतलब, बता दीजिए सर, बता दीजिए सर, हमारी औकात बता दीजिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और आप सब लोग एक सामान्य नागरिक हैं, कोई किसी की औकात नहीं है, मेरे साथ अन्याय कर लोगे, एनीवे देखो ये मुझे छठी बार रोका तुम लोगों ने, आपकी 10 मिनट के बीच में छठी बार, आपकी क्या औकात है अगर हमारी कुछ नहीं है तो, सर हम तो सारे नागरिक है ना भारत के, इसमें औकात की बात कहाँ से आई, औकात की बात है कि इतना झिझला क्यों रहे हैं, अन्याय कर देंगे, अन्याय नहीं होना चाहिए, नहीं ये तो बोलना कि अन्याय हो जाएगा अगर हमने बात करने का मौका नहीं दिया तो। अच्छा सुनो, अब तो देखो 10 मिनट का टाइम था, उसमें 3 मिनट बंडल साहब की 10 मिनट बात सुनो, 10 मिनट में 3 मिनट पर बात किया तो 3 मिनट ले लूं सर, आप पूरा टाइम नहीं जी, आप तो फ्री रहते हैं पूरा दिन, पूरा दिन टाइम नहीं चलूंगा, दिलीप जी जो सवाल आपसे पूछे गए हैं आप जरूर आंसर करना, आप ऐसे लिख कर लाए हैं वो मत पढ़िए, वो आपसे सब, मैं मुझे जो बोलना है वही बोलूंगा ना, तुम हो कौन, सर आपने झूठ क्यों बोला, आपने झूठ क्यों बोला, मैं कौन हूँ उससे क्या, मैं जो बोलना है बोलूंगा, अरे इसने जिलेबी करनी है, इसने जिलेबी करनी है, तारण दोष में अपनी जिलेबी घुमाएगा बातों को, घुमाने की बात बोली अपने मन से, कर मैं अपने बात बोल रहा हूँ, अपने मन से बोल रहा हूँ, और ये तो भूलेगा मेरे साथ गुंडागर्दी कर लोगे, हद है यार, बात ही नहीं समझ रहे हो,
बंडल साहब जो गुंडागर्दी है आपके साथ, प्लीज आप किसी ने नहीं बोला आपके साथ गुंडागर्दी हो रही है, ये नहीं मतलब बोला ना कि अन्याय अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर किसी को बोलना, अगर किसी को बोलना है तो रोते रहते हैं यहाँ पर, मत रोइए कम से कम। अच्छा सुनो, चुप रहो, मेरे माँ बाप ने तमीज सिखाई है, बट उसमें ये भी आगे सिखाया है कि अगर कोई बदतमीजी करे तो उसका जवाब उसी तरीके से दे देना ना यार, हमने सुन लो, सुन लो, सुन लो दिलीप सिंह मंडल, मेरे माँ बाप ने तमीज सिखाई है, उसमें एक पैरा और है। अब अगर तुम ये फालतू बकवास मत करो, तुम तड़ाक मत करो, तुम तड़ाक मत करो, तुम तड़ाक मत करो, फालतू बकवास मत करो। अरे हो गया ना, मतलब बोल दी ना, अपने मन की बात निकाल दी तुमने यार, अभी और बोलो। चलो ठीक है, तुम क्या फालतू बकवास मत करो, दिलीप मंडल फालतू बकवास मत करो, जाति के नाम पे रोते होगे ट्विटर पे, मेरे सामने फालतू बकवास मत करो, बहुत भाई बंडल साहब हो गया ना, निकाल लेना अपनी बात भाई। अब मेरी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे, वो कौन, चलो तुम्हारी लैंग्वेज, अच्छा मेरी बात सुनोगे या नहीं सुनोगे, फाइनल तुम हो कौन, तुम्हारी लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ, तुम हो कौन, क्यों भड़ास निकालूंगा, मी टू स्पीक, तुम्हारी टॉक्सिक, सबसे बोलने आप इतने टॉक्सिक आदमी हो, तुम मेरी बात अब नहीं, मेरी बात, अरे तुम तुमसे क्यों भड़ास निकालूंगा यार, रोना रो रहे हो, इससे लिख कर लाए हो, सवाल पूछे गए हैं इतने सारे, उसका एक जवाब नहीं दे रहे हो। अरे भाई रोने तो दो इसको, रोने भी नहीं दोगे क्या, रोने दो यार, अरे कोई ये देखो, ये देखो इन तीन मर्दानगी, नहीं नहीं मैं रो रहा हूं, दिलीप पंडित देखो ये न्याय करा रहे हैं मेरे साथ, सुनो तुम दूसरों को बोल रहे हो कार में रहो, भगा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, मतलब क्या है, मतलब हद है। बात मैंने कहा कि देखो मुझे बोलने दो, सात मिनट पर इंटरप्ट किया, 45 मिनट की बात मैंने रख ली, मैंने कहा कि मुझे 10 मिनट दो प्लीज, तो 10 मिनट में 8 बार तो इंटरप्ट किया, मेरे 4 मिनट ले लिए एक्स्ट्रा अलग से, अब वो तुम मुझे पूरा करने नहीं दे रहे हो, ना कैसे चलाते हो इस पैसे, ऐसे करते हो क्या रोज, चलो मैं एग्जिट कर रहा हूँ, थैंक यू, तुम लोग को मुझे सुनना नहीं है, मैं दिलीप साहब दिलीप साहब नाच नहीं पा रहे हो, निमोय भाई एक मिनट, सबको म्यूट करो, सबको म्यूट करो, हाँ सब म्यूट, एक आदमी को स्माइल दो, मैं कसम से खा रहा हूँ वो काम नहीं कर रहा, मैं देखो सबको म्यूट करता हूँ ना, देखो मैंने किया, आप बोल लोगे फिर भी, इनको हटाओ ना स्पीकर से, फिर ये बकवास कर रहे हैं, अभी अपने बात बोल ली ना, इनको फिर से बोला नहीं, आप भाई बोलने दो यार, बदतमीजी तो आपने की ना कि चुप रहे, तो ऐसे सर वो तो बर्दाश्त नहीं करे ना कोई भी इंसान, वो देखो हम तो यहाँ पे सब समान है, हम एक ट्विटर यूजर की तरफ में आए, आपके आपके पास ज्यादा पैसा होगा, मेरे पास तो सर मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो है नहीं, मैं तो सर मेरे पास वाईफाई भी नहीं है, मैं तो रिचार्ज करा के बात कर रहा हूँ, मेरा आज इस स्पेस के बाद मेरा सारा वो डेटा भी खत्म हो जाएगा आज का, फिर मुझे डेटा पैक एक्स्ट्रा डलाना पड़ेगा, तो मैं तो सर ऐसी हैसियत, मेरी तो ये हैसियत है, मेरी तो ये औकात है, आपने अपनी औकात बताई, मेरी तो सर ये औकात है, मैं तो बहुत गरीब खानदान से आता हूँ, तो आप किसी को बोलोगे, लेकिन यहाँ पे तो हम सब बराबर है ना, अगर हम बात कर रहे हैं तो आप स्पेस में हमारे आए, आप बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, आप ऐसे चुप नहीं करा सकते ना सर किसी को, बात ये है, आप चुप कराएंगे तो बुरा तो लगेगा ना इंसान को, अगर मैं आपको बोल दूं आप मेरे से इतने बड़े हो उम्र में, मैं आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूं, मैं नहीं करूंगा क्योंकि संस्कार ऐसे नहीं है, तो आप भी वो पत्रकार है, आप भी मत कराइए चुप, तो यही बात है। निमो मैंने बहुत सभ्य तरीके से अपनी बात रखी, आप लोग जो थोड़ा एग्रेसिव हो रहे थे मैंने आप लोगों को भी रोका, बट उसकी लिमिट है, माँ बाप ने ये भी सिखाया कि कोई बदतमीजी करे तो उसका जवाब देना चाहिए, इसके बाद मेरे लिए मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं यहाँ पर अपने नहीं सर आप बोल, लेकिन सर वो बात मैंने बोलना था, बोलिए नहीं गुंडागर्दी नहीं यार, मेरे साथ तुम लोग गुंडागर्दी में थोड़ी करने सर, एक क्वेश्चन आया आपके लिए, जयदीप सर, सर मैं सर क्वेश्चन आया आपके लिए, जयदीप पांडे क्या है, मैं पांडे नाम लेके बोल रहा हूँ, पूछ रहे हैं कि क्या आप ड्रंक हैं, और जो आप लोगों ने कंक्लूजन ड्रॉ किया है, सर वो जयदीप पांडे पूछ रहे हैं क्या आप ड्रंक हैं, आप रोते रहे हैं, बहुत धन्यवाद मेरे बारे में जो भी राय बनाई है सर आपने, झूठ क्यों बोला भाई साहब, आप भागिए मत प्लीज, अब अगर ये कह रहे अब ये इसके बाद ये कह रहे हैं कि मैं भाग गया, लेकिन क्या ये बात सही है कि बहुत थैंक यू, क्या क्या ये बात सही है, नहीं नहीं मंडल साहब भागना नहीं है आपको, घोड़ा नहीं होना यार, आप लोग इतनी बदतमीजी कर रहे हो, आप लोग इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो प्रोफेसर दिलीप मंडल से, आप उनकी ना उनको बात नहीं, नहीं, सुन बिल्कुल रहे नहीं कर रहे भाई, आप उनको बोलने दे रहे हो, बात नहीं आप ना उनको बोलने दे रहे हो, और वो लगातार अपनी बात वो अपनी बात बोल रहे ना भाई, आप सब उनको इतना घेर के कि आप सारे अपने समर्थक इकट्ठे हो गए हो, कौन सा आदमी को आप इतना बदतमीजी से बात कर रहे हो, आप ये क्या तरीका है, आपका
पहले आपका वो तो जरूर दूं, मैं आपका परिचय दे दूं। ये बोल रहे हैं बाबा ट्वीट करके कि मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, ये पत्रकार हैं और इनको मॉब लिंचिंग क्या होती है इनको अभी तक ये भी नहीं पता, और ये हमको मॉब लिंचर आप सब लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हो, हम लोग सुन रहे हैं तब से आप लोगों को, सब लोग सुन रहे हैं यार। वो आदमी वो बोल रहे हैं ना, अब ये उत्कर्ष इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है, ये आप लोग इतना बदतमीज से बात कर रहे हो, कोई तरीका है क्या बात करने का आप लोगों को? आप संवाद सिखाने की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो हम संवाद सिखाएंगे, हम जो आएंगे सिखाएंगे। सुमित भैया बदतमीजी से आप शायद थे नहीं स्पेस में, मैंने बहुत मैं पूरी तरीके से, अरे आदमी बोल रहे भाई वो 10 मिनट मांग रहा है जोड़ के, तुम लोग उसको 10 मिनट भी नहीं दे रहे हो, क्या बदतमीजी, 10 मिनट भी नहीं दे रहे हो तुम लोग, तुम सब के सब घेर के उस आदमी को बोल रहे हो कुछ भी बदतमीजी से बात की आप, तुम बोल रहे हो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तरीका होता है कोई बात करने का? तुम लोग सिखाओ सबको क्या कौन क्या करना है वाले, किसको नहीं करने वाले, क्या बदतमीजी में बात की थोड़ा बताइए। अरे वो आदमी बोल रहे 10 मिनट उसको बोलने देते हम लोग, अरे बदतमीजी क्या की ये बताइए ना, देर से हम लोग सुन रहे हैं बदतमीजी क्या की ये बताइए ना, तुमने बोला भाई उत्कर्ष तुम इतनी बदतमीजी से बोल रहे हो उस आदमी से, मेरे माँ बाप ने सिखाया मैं ये कर दूंगा, ये नहीं सिखाया वो नहीं सिखाया, मैं ऐसा कर दूंगा मैं वैसा कर दूंगा, तरीका होता कोई बात करने का? अरे तुम लोग ये बताओ भाई, वो आदमी तुमको हाथ जोड़ के बोल रहा है मेरे को 10 मिनट बात करने दो, हम लोग सब सुन रहे हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे से हम बैठे हुए, वो आदमी रोतड़ू है ड्रामा, तुम भाई तुम सर्टिफिकेट दोगे क्या आके डिफेंड करके मेरे से, तुम सर्टिफिकेट, अरे तुम पर्सनल रिलेशन का तुम्हारा चार डालना है मेरे को, तुम्हारा चार डालना तुम्हारे पर्सनल रिलेशन का, तुम पर्सनल रिलेशन का क्या चार डालना, हमारे से लोग फोन पर अलग होते हैं यहाँ पर, भाई तुम बकवास मत करो बेमतलब में, हम सुन रहे इतनी देर से, मैंने हम 2 घंटे से सुन रहे हैं कि भाई वो आदमी को उसको बोलने दो, तुम लोगों को अपनी बात बोल लेते हैं, उसके बाद अपनी बात बोल लेते हैं ना, उसके बाद अपनी बात बोल लेते हैं, सुनो उसकी बात बोल लेते हैं ना भाई, ये दादी बोल लेते हैं ना, तुमने जवाब दिया, अगर आपको ये बुरा लग रहा है तो 4-5 लोग तुम अपने ले आओ और तुम फिर बदतमीजी से बात करो, तुम इधर से ले आओ, तुम उधर से ले आओ। सुमित जी आपने माइक मांगा हमने दिया ना, हम तो हर किसी को माइक दे रहे हैं जिसका दिख रहा है, आप ऐसी बात मत कीजिए कि हम ये कर रहे हैं भेदभाव कर रहे हैं, मेरे भाई अगर योद्धा है तो भाग गया, अरे अरे भाई तुम ये इतने हजार लोग सुन रहे हैं, इतने हजार लोग सुन रहे हैं, सब बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं ना, हम लोग बैठे हैं 2 घंटे से आप लोगों की बातें सुन रहे हैं, उस वाले स्पेस में भी थे इस वाले स्पेस में भी थे, तो चलो लेट देम स्पीक इफ यू ऑल गाइस हैव स्पोकन अर्लियर देन व्हाई आर यू इंटरप्टिंग अगेन एंड अगेन, यू जस्ट आस्किंग फॉर 10 मिनट्स। सुमित जी सुनिए, गला सूख गया बोलते बोलते, पूछते पूछते मंडल साहब आपने झूठ क्यों बोला, आपने झूठ क्यों बोला, आपने मेरे नाम से झूठ क्यों बोला, मैं पूरा डिबेट सुना, उन्होंने एक भी आंसर नहीं दिया, आपने तो बोला नहीं, आपने तो बोला नहीं कि दिलीप जी इनकी बातों का आंसर कीजिए, उन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर दिया, हाउ कुड इफ आई एम नॉट द इनवाइट, इफ आई एम नॉट द स्पीकर, हाउ कैन आई स्पीक, सर यू हैव सेंड द रिक्वेस्ट एंड आई हैव मेड यू द स्पीकर, आई वाज सेंडिंग यू अर्लियर आल्सो, आई वाज सेंडिंग यू अर्लियर आल्सो बट आई वाज नॉट द स्पीकर, तो मैं कैसे बोलता सर, जैसे ही मुझे आई मेड यू द स्पीकर, वरना मैं अभी क्यों बुलाता, आप मंडल साहब को भी तो बोलिए, अगर आप इतने निष्पक्ष हैं तो उनको भी तो बोलिए, एक सवाल का तो आंसर देके जाएं, भाई मेरे को तो तुमसे निष्पक्षता का सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, पता नहीं तुम लोग हो तो भी नहीं, आप हमको क्यों देने आए हैं, आप तो फिर आप हमें मॉब लिंचर का सर्टिफिकेट देंगे क्या, यू गाइस आर मॉब लिंचर, तो आप हमें मॉब लिंचर का सर्टिफिकेट देंगे क्या, प्रोफेसर दिलीप मंडल टुडे, अरे प्रोफेसर होंगे घर पे, अरे प्रोफेसर साहब को बुला लीजिए, इट्स अ शेमलेस मैनर ऑफ यू नो डूइंग एनी डायलॉग, प्रोफेसर होंगे कॉलेज में, आप सुनिए मेरी बात, वेरी शेमलेसली यू आर डूइंग इट, वेरी शेमलेस यू पीपल आर डूइंग, आप हमें दोगे क्या लीगल केस इफ यू फाइंड एनी ग्राउंड, नहीं आप हमें दोगे क्या मॉब लिंचर का सर्टिफिकेट, हम आपसे लेंगे क्या, हमने दे दिया आप लोगों को, तो फिर यू गाइस आर द मॉब, आप पत्रकारिता पे ध्यान दीजिए, आप अरे बेटे से पत्रकारिता पे ध्यान दीजिए, अपनी फंडिंग पे ध्यान दीजिए, मेरे पास फंडिंग के रोज जैसे आप मूक ना एक्शन लड़ रहे थे, दो कौड़ी के लोगों से नहीं लेनी ना, आप जो बात कर रहे हो ना, दो कौड़ी के लोगों से हम लोगों को नहीं चाहिए पत्रकारिता का सर्टिफिकेट, हमें तुम्हारे जैसे लोगों से पत्रकारिता का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो आप जो दलित नहीं चाहिए ना भाई, मूक नायक दिख चैनल है, तुम लोग सिखाओगे हमको, तुम समझ रहे हो, यू गाइस विल टीच अस हाउ टू डू जर्नलिज्म, आपने क्या नहीं किया उसके खिलाफ, आप लोग सिखाएंगे, आपने क्या नहीं किया उसके खिलाफ, आप लोग आपने पूरी कैंपेन चलाई उसके खिलाफ, जिसकी अकल नहीं है, जिसका चेहरा नहीं है, जिसका नाम नहीं है, अरे चेहरा का क्या करोगे सर, फोटो डाली हुई है, कौन है ये लोग, सर फोटो डाली हुई है, कहां है, क्यों है, फोटो डाली हुई है, देख लेना 15,000 के सामने बोल रहा हूं, फोटो डाली हुई है, आपने मूक ना के खिलाफ कैंपेन चलाई, ये लोग हमें सर्टिफिकेट, आपने मूक ना के खिलाफ कैंपेन चलाई, मैं आपके भी खिलाफ चलाऊंगा, मैं आपके खिलाफ चलाऊंगा, वो ज्यादा पॉपुलर थे, वो भी दलित पत्रकारिता के ऊपर निराले,
सुमित भाई सुनो लॉजिकल भाई मेरी बात सुनो, उन्होंने कहा था मैं अभिमन्यु हूँ, औकात में रहो, तुम हो कौन, मुझको जानते हो मैं कौन हूँ, तुम चुप हो जाओ। ये बड़ी सभ्य भाषा है क्या सुमित जी, जो आपको इसी भाषा में अगर जवाब दिया गया तो वो आपको बदतमीजी लगी? उत्कर्ष, तुम अपना जो भाषा बोली है वो भी मैंने सुनी है, ठीक है, वो जो बोल रहे थे वो भी मैं सुन रहा हूँ ना, मैं लगातार आप लोगों को सुन रहा हूँ, इसलिए लास्ट में हम लोग भी बोल रहे हैं सुनने के लिए बैठे हैं, यहाँ हजारों लोग बैठे हुए सुनने के लिए बैठे हुए, ऐसे घेर के सब लोग बैठ गए कि गैंग बना के आदमी जैसा निकलेगा उसके ऊपर पत्थर फेंकेंगे, दिस इज नॉट द वे टू डायलॉग राइट। सुमित जी ने बहुत अच्छे तरीके से बात की, ये बोलिए ना आप हाँ या नहीं, बहुत सब तरीके से बात भाई, वो बिल्कुल अपने टॉपिक से तो टसमस नहीं कर पाए आप लोग उस आदमी को, टॉपिक की बात नहीं हो रही है, सवाल ये मेरी बात बनाओ, मेरी बात बताओ, तुम ये तय करोगे कि मैं क्या बोलूंगा, मेरे मुंह में जबान तुम डालोगे? नहीं ना, टॉपिक पर बात हो रही है वो, दैट्स अप टू हिम, दैट्स अप टू हिम, ही विल स्पीक अकॉर्डिंगली, यू कैन नॉट से इट राइट, ये तरीका नहीं है ना भाई, आई कैन स्पीक माय सेल्फ ऑल्सो, यू कैन स्पीक बट आप वो जैसे बात करें मैं नहीं कर सकता, 10 मिनट मांग रहा है ना, 10 मिनट मांग रहा, 10 मिनट भी नहीं दिए गए आप लोगों से, 10 मिनट भी आप लोगों से 50 बार बोला गया बोलने के लिए, उनको 20 में 50 बार कुछ कुछ बोले जा रहे हैं बेमतलब में, अरे उनको 20 में 50 बार बोला गया बोलने के लिए, आप ये किस वे में बोल रहे थे कि दो कौड़ी के लोग बात कर रहे हैं, डेफिनेटली दो कौड़ी के लोग हैं, ये मेरे को जर्नलिज्म का सर्टिफिकेट देंगे, ये लोग मेरे को जर्नलिज्म का सर्टिफिकेट देंगे, हम लोगों को अभी आप ये लोग मेरे को जर्नलिज्म का सर आप इन्होंने मुझे मत कीजिए, मेरे को जर्नलिज्म करने की नहीं करना है, एक बार यहाँ पे ऐसे कुछ जो मन में आ रहा है ये पत्रकार हैं, ये पत्रकार हैं, इन्होंने मुझे गाली भी दी जो बैच शब्द से शुरू होती है, इन्होंने मुझे गाली भी दी, ये पत्रकार है, स्पोर्ट्स रिकॉर्डेड है, जाओ एफआईआर करा दो, जाओ एफआईआर करा दो, ये पत्रकार है, ये पत्रकार है, आप हमको रिप्रेजेंट मत कीजिए, हम लोग भी सुन रहे हैं, उनको कितनी बार मौका दिया बोलने का और वो कुछ नहीं बोल रहे थे, जब उनको मौका दिया तो वही एक ही रट वो लगा के बैठे थे, बोलने तो देते, बोलने तो देते, सर तुम्हें तवज्जो देने को, मैं चौहान एक सेकंड चौहान के दिए बोलने को, मैं चौहान सुनिए, यहाँ पे ना कंकड़ मारोगे ना कहीं सारे पत्रकार ही निकलते हैं, आपके ऊपर भी पड़ेगा ना, तो अब भी पत्रकार ही हो, यहाँ पे इतने पत्रकार हैं ट्विटर पे, सारे अपना आपको पत्रकार ही बताते हैं, निमो भाई एक सेकंड एक सवाल, और सर ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए यहाँ पे, आपने क्या जितेश यार एक सेकंड, सुमित जी आपने कौन सी गाली दी, मैंने सुनी नहीं, निमो बता पाएगा? अरे मुझे एक लड़की ने मैसेज किया, कि इसने वो करके वर्ड आता है उससे मुझे गाली दी, नहीं नहीं ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, चलो बेमतलब में फालतू की बातें, अरे कोई बात नहीं, कोई गाली दिया तुम लोग, दो कौड़ी वाली चीज बोली ये मैंने भी सुनी, अरे मैं कह रहा हूं इस सेंस में बोल रहा हूं, यहां पे मुझे सर्टिफिकेट दोगे इतनी देर से, यार बोलो यार, आप दो मुझे बताओगे कि मुझे कौन सा काम करना है कि नहीं करना है, आप तुम लोग मुझे बताओगे कि नहीं सर, आप एक पत्रकार हो, ये रिकॉर्डेड स्पेस है, इसमें राफेल भाई नीमो भाई ने किसी को भी ऐसी कोई शब्द बोला हो तो आप बताइए, आप एक पत्रकार होके उनको दो कौड़ी का बोल रहे हो तो अपनी बात भी नहीं रख सकता कोई, इतना बदतमीजी से बोलेगा क्या, बदतमीजी सवाल ही पूछा ना, सवाल ही पूछा सर उनसे, आप इतने इंटरेस्ट मुझे पूछना है, यू गाइस वर ट्राइंग अ डिजिटल मॉब लिंचिंग ऑफ प्रोफेसर दिलीप मंडल टुडे,
दो कौड़ी के पत्रकार आप हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो भी हैं, हमें आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इफ वी आर डूइंग अरे चल निकट तो तेरे जैसे मानसा तो टाइम लगाओगे हम। अरे डट जाओ, तेरे जैसे चपड़ासी रखा हमें, तेरे जैसे मानसा नहीं देखते हैं रहे हम। ठीक से चपड़ासी रखू मैं, डट जा। आ गया देख लो, इसकी लैंग्वेज देख लो, इसकी देख लो, ये चपरासी जो है वो काम करने लायक नहीं है। आ गया ना तेरे अंदर का निकल के, आ गया ना तेरे अंदर का निकल के। बता तेने के मेरा कोई 2 करोड़ का, 2 करोड़ का, 200 करोड़ का, तेरे क्यों खा माई बात करा यार। तुम लोग मैंने तो दिलीप मंडल भाई की मैं इस बात से सहमत हूँ, कोई पढ़ा लिखा नेता हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कड़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन वो भागना के मतलब यार भगोड़ा होना। अरे उसको बोलने तो देता भाई, बोलने तो देता, सब लोग घेर के बैठ जाते, चिल्ला रहे हो बीच में, बोल क्या तरीका है उस बंदे को, मैंने बार-बार बोला कि बोल, वो बोल ही ना, वो मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है। तुम लोग 10 लोगों को, उनके समर्थकों को, अरे तुम हो तो लोगों को अपने लिए, अगर तुम लोगों को यही करना है तो हो तो उसके समर्थक, और बताओ बनाता हूं मैं। इफ यू वांट टू डू, अरे तू है तो सही का समर्थक है, डू इट। अरे तू है ना उसका समर्थक। अरे भाई एक मिनट रुक, मैं आ गया ना, है ना उसका समर्थक, तेरे को बनाया ना भाई, या 5 और मैं बनाता हूं। लोगों से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तू तो बड़ी का है। व्हाट काइंड ऑफ जर्नलिज्म आई हैव टू डू, व्हाट काइंड ऑफ जर्नलिज्म आई हैव टू डू, आई डोंट नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम यू। ओके, हम तो तुझे जानते हैं भाई, सही बात है। सर आपको सर्टिफिकेट दे रहा है, सर आप खुद अपने आप का सर्टिफिकेट दे रहे हो। आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, आई डोंट हैव टाइम फॉर यू। सर्टिफिकेट आप दे रहे हो, आप अपना सर्टिफिकेट खुद दे रहे हो, ऐसी बात सुनो मेरी बात। और आप मॉब लिंचिंग, सुमित भाई एक बात बताओ, उन्होंने, मैं एक बात बोलता हूँ, अब मैं एक बात बोलता हूँ, ये सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। सुमित भाई मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, आपकी ट्वीट भी नहीं आती टीएल पे, बस मैंने तो आपको देखा था कि एक मूक नायक चैनल था, यूट्यूब चैनल आपसे अच्छा कर रहा था, वो भी दलित राइट्स की बात करता था, उन पर पत्रकारिता करता था, आपने बेचारे एक लड़की थी, आपने उसको क्या क्या सिर्फ फालतू की बात That's a very shameless behavior. Very shameless behavior. Shame on you. Shame on you. आप ये बताओ, आप मूक नायक से, आपका मूक नायक से जो करनी है करो। आप परेशान थे ना, आपका मूक नायक से हुआ था, मैंने तो तब आपको देखा था, वरना आज आपको देखा है। मैं आपको क्या सर्टिफिकेट दूंगा, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, मैंने तो देखा तब भी आपकी भाषा। क्यों बोल रहे हो फिर, क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो मुझे इस तरह की बातें? क्या मतलब है इन बातों का? सुमित जी एक सेकंड, मुझे एक सवाल बस आपसे पूछना है। अभी आपने इतना ज्ञान दिया बदतमीजी वाला, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं आपको लग रहा है कि ये बड़ी तमीज वाली बात है? और दूसरा कि जो 2 कौड़ी आप सबको बोल रहे हैं, यही पलट के अगर कोई आपको बोल दे तो आप फिर अपनी जात का रोने लगेंगे कि मैं दलित हूँ, मुझे 2 कौड़ी का। तुम तो जाति का मत ही बताओ, IMC के दिनों से लेकर तुम कितने ज्यादा जातिवादी रहे हो, उसका सर्टिफिकेट सब जानते हैं, दैट्स ऑलरेडी देयर, यू हैव डिजिटल फुटप्रिंट, यू डोंट नीड टू टेल मी, राइट? यू डोंट नीड टू टेल मी, यू डोंट नीड टू टेल मी, सुनो सुनो, यू डोंट नीड टू टेल मी, आई डोंट, शर्म है, आई डोंट वांट टू लिसन फ्रॉम यू। मैंने तुम्हारे जैसे आदमी को भैया बोला और कभी आपको बहुत सम्मान से देखा और आपके काम की रिस्पेक्ट की, मुझे बहुत, तुम्हारी इज्जत से बन गया सब कुछ, आई डोंट नीड योर रिस्पेक्ट।
जो आदमी कास्टिस्ट है, जो आदमी रिजर्वेशन को गाली देता है, जो आदमी दलितों को गाली देता है, जो अपने क्लासमेट्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करता है, उनको जो है बदतमीजी की बात करता है, लेकर आ जाओ फालतू के, ये क्या हुआ था एमसी में? सुनो, क्या हुआ था तुम लोगों ने क्या लिखा था पहले भी, क्या लिखा था फेसबुक पे एमसी में? उसके बाद भी हम लोगों ने किया ना उस टाइम, उसके बाद भी, उसके बाद भी, उसके बाद भी किया था ना तुम लोगों ने ड्यूरिंग एबीपी? मॉब लिंच ही तो किया था ना तुम लोगों ने घेर कर, स्टूडेंट था मैं, गलती हुई थी मुझसे, फेसबुक पर पोस्ट डाला, पता है क्या होगा, एबीपी में मेरे साथ काम किया तुमने, बताओ कब मैंने तुम्हारा मॉब लिंचिंग किया? उसके बाद जब भी तुम्हें कुछ यूट्यूब से जुड़ी जानकारी चाहिए, यूज्ड टू कॉल मी भाई काम करना है, मैंने कब तुम्हें वो किया, हमने वो किया, तुमने वो क्या किया? मेरा करियर शुरू होने से पहले बर्बाद करने चले थे तुम लोग, सिर्फ कास्ट की वजह से तुम लोगों ने मॉब लिंच करने की कोशिश की थी मुझे। तुम्हारी हिम्मत की हमारी जाति के लोगों को गाली दोगे? अरे गलती हुई, अभी देख के दिखाओ ना, अभी देख के दिखाओ ना गाली, हिम्मत है हमारे लोगों को गाली दोगे, हमारी जात के लोगों को गाली दोगे? तुम्हारे बाप दादा ने सिखाया कि हमारे लोगों को गाली देना, हमारे रिजर्वेशन को जो है गाली देना है, हमारे लोगों को गाली देना है, हिम्मत है तो बोल के दिखाओ ना। गए थे ना उस समय, माफी मांगी ना, माफी मांगी ना, माफी मांगी हमने, माफ कर दिया, माफी मांगी, माफ कर दिया, जात की गाली दोगे हम लोग? आई वॉज जस्ट अ स्टूडेंट, आई मेड अ मिस्टेक, मैंने माफी मांगी, मुझे कॉलेज से 3 हफ्ते के लिए हॉस्टल से निकाला गया था, आप क्या जान लोगे क्या मेरी, क्या चाहिए ये तुमको? बार बार मेरा माइक बंद मत करो, फिर मेरे को भी छोड़ के जाना पड़ेगा, बार बार माइक बंद मत करो, हमारी जात के लोगों को गाली झूठ बोलो, माइक बंद या किसी का नहीं होगा, अनाप शनाप बोलोगे, उल्टी सीधी बातें बोलोगे, डेफिनेटली हम लोग कार्रवाई करेंगे, हम लोग करेंगे, गलती किया तुमने, माफी मांगी हमने, माफ कर दिया, यही दो कौड़ी का आपको पलट के कोई बोल दे तो जाके SC ST एक्ट में आप केस कर दोगे? बोल के देख लो एक बार, फिर बताऊंगा कल। ओ सुमित भाई बोल के देख लो, ओ मेरे भाई बोल के देख लो ना, ओ सुमित बोल के देख लो फिर बताऊंगा, जो आपने सबको दो कौड़ी का बोला वो आपने दो कौड़ी, बोल के देख लो ना भाई, सुनो के देख लो, सुनो फिर सुनो, जो फिर बताऊंगा, जो आपने सबको दो कौड़ी का बोला आप खुद दो कौड़ी के हैं, ठीक है, जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हेलो हेलो नीरव भाई, हेलो एकदम घटिया लोगों की मंडली, बेवकूफ लोगों की मंडली करने के लिए आज बैठी हुई है, बेशर्मी की हद तक बातें कर रही है, जिसमें कोई इस तरह का नहीं है, किसी तरह की चीजें नहीं कर, अरे तेरा उखाड़ने का तो अब की बार मिल ली, उखाड़ के भी दिखा देंगे, उखाड़ के भी दिखा देंगे, क्या उखाड़ जाएगा, अब की बार तो दिख ही जाइयो, मेरे सामने ही आ जाइयो, दिल्ली NCR में आता है ना, मेरे सामने मैं ये बोल रहा हूँ सुमित भाई, जो है कि आप जो दो कौड़ी का बोल रहे हैं हम लोगों को, ये बेवकूफ लोगों की मंडली जो है, बेवकूफ लोगों की मंडली अगर यहाँ करने की कोशिश करेगी हमारे लोगों को, उनको बदतमीजी उनके साथ करोगे, उनको जो इस तरह से मॉब लिंच करने की कोशिश करोगे, ये बहुत ही घटिया है, ये बहुत ही खराब चीज है, बहुत ही बेकार चीज है, इस तरह का संवाद नहीं होता, इस तरह की बात नहीं होती, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, बेशरम लोगों की मंडली इकट्ठे होकर जो है, बेशरम लोगों की मंडली जो है बदतमीजी में उतारू है, घटिया हरकतें कर रही है, घटिया भाषा का इस्तेमाल उनके लिए कर रही है, शर्म आनी चाहिए, आप सब बेशरम है, आप सब बेशरम, शेम ऑन यू, बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा मेरे दोस्त, बीपी बढ़ जाएगा, थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा थम जा मेरे दोस्त, चैलेंज कर रहे थे, बीपी बढ़ जाएगा तेरा सुमित, बीपी बढ़ जाएगा भाई, आराम से देखो, रात का समय, तूने 3 डोज भी ले रखी होंगी वैक्सीन की, मत कर ऐसा, तेरा बीपी बढ़ जाएगा, आराम से बात करके करके बोल, ऐसे मत बोल दूसरे की आवाज भी नहीं आ रही है, तो थोड़ा आराम से बोल, अभी उत्कर्ष बोलेंगे फिर सुमित तू बोलना, लेकिन बीपी मत बढ़ाना भाई अपना, क्योंकि मुझे चिंता है 15,000 लोग हैं, कुछ हो गया साला नाम मेरे ऊपर आ जाएगा बिना बात का, उत्कर्ष भाई बोलो आप, बार बार मेरा माइक बंद कर रहे हो, सबका किया, तेरा ही नहीं किया, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म लोगों मुझे बोलने दे, तो मेरा माइक बंद कर रहे हो, साथ में किया ऐसे ही और किसी के साथ में कर रहे हो, अपना गैंग यहाँ पे बैठ गए हो, बेमतलब में फालतू की बातों को कुछ कुछ बोले जा रहे हो, अनशंड बोले जा रहे हो, जो मतलब बोलना है किसी चीज का, किसी भी तरह का बदतमीजी, बेशर्मी हद होती है, फिर से मुझे जो है बंद कर देते हो, मेरा माइक बंद कर देते हो बार बार में, अरे मेरा माइक क्यों, आपकी बार माइक बंद किया, अरे रुको एक बार सारे, देखो एक मिनट मैं पूरी बात बोलता हूँ, देखो भाई मेरा जो है घर परिवार है नहीं, ना मेरी शादी हो रखी, वो तो गया, उसने छोड़ दिया सुमित ने,